वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेशन है वो परसेंटेज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हो अरिथमेटिक का अगर कोई बैकबोन है तो वो दो ही चीज़ें हैं, रेशियो एंड परसेंटेज। अगर आपने रेशियो एंड परसेंटेज पर कमांड बना ली तो अरिथमेटिक बहुत आसान है, अगर नहीं बनाई तो डेफिनेटली सारे जितने भी टॉपिक्स हैं या कोई भी आप टॉपिक उठा लो सब में आपको दिक्कत आएगी, राइट। तो वो दिक्कत ना आए, आपकी पूरी कमांड हर चीज़ पर बन जाए, है ना, क्योंकि इस जो परसेंटेजेस का यूज़ हर चैप्टर में होता है, तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न सम बेसिक्स रिलेटेड टू दिस एंड देन वी विल प्रोसीड टू सम क्वेश्चंस, है ना। सारे टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये क्लास अचानक लगाई गई है, शेड्यूल की गई है, तो आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें कि भाई क्लास जो है शुरू हो चुकी है परसेंटेज की, है ना। जिन लोगों को अपने बेसिक्स अच्छे करने हैं वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम परसेंटेज के बेसिक्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स की। बेसिक की जब बात आएगी तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि परसेंटेज से आप क्या समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, या फिर हम ये कहें कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले मतलब की बात करें तो परसेंट, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, पर मींस आउट ऑफ, पर मींस आउट ऑफ, एंड सेंटेज और वी कैन से सेंट मींस 100। किसी भी चीज को 100 में से कैलकुलेट करना। जैसे अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज जैसे अगर किसी मतलब कोई दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं, सपोज, है ना, मैंने आपसे पूछा कि आप कितने खुश हो, तो आप कहोगे बहुत खुश हूँ। दूसरा वाला कोई किसी बंदे से पूछूंगा वो कहेगा थोड़ा कम खुश हूँ सर। अब उसको कैसे हम कंपेयर करें, तो भाई अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप 100% खुश हो, तो आप कहोगे नहीं सर, 100% खुश तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100%। 100% मतलब कंप्लीट, है ना, बिल्कुल टोटल कंप्लीट, है ना, जिसके मतलब जिसके आगे आप जा ही ना सको, है ना, दैट इज अ लिमिट। मैं अब दूसरे बंदे से पूछा कि आप कितने खुश हो, तो वो कहेगा सर मैं 60% खुश हूँ, 40% अभी भी कुछ कमी है ना। तो परसेंटेज का मतलब होता है कोई किसी चीज को 100 में से रेट करना, है ना, उसकी रैंकिंग देना, उसको कंपेयर करना, है ना। जैसे कि दो बच्चों के मार्क्स आए, एक बच्चे के मार्क्स आए 114 और दूसरे के मार्क्स आए सपोज 76। आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। तो आप अगर आपको केवल मैं मार्क्स बताऊं दोनों के, तो आप ये कहोगे कि सर 114 वाले की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज इसके मार्क्स इससे ज्यादा हैं, है ना। लेकिन जब आपको ये पता लगेगा कि इसके जो मार्क्स हैं वो 200 में से हैं और इसके जो मार्क्स हैं वो 100 में से हैं, तब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अब किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। इसने तो 200 में से 114 लाया ना, तो 100 में से कितने लाता, तो 100 में से लाता 2 से इसको काट दो 57। तो कहना इससे कि जो इसके मार्क्स हैं वो 57% है, 100 में से 57 है और इसके मार्क्स 76%, तो डेफिनेटली इसकी परसेंट, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। तो दो या दो से ज्यादा लोगों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए भी परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। आपसे आपके 10th या 12th में बोर्ड में कितने मार्क्स आए, तो आप कोई किसी को मार्क्स तो नहीं बताते ना कि मेरे 714 नंबर आए, ऐसे तो नहीं बताओगे आप, परसेंटेज ही बताते हो हमेशा कि मेरे 87% आए, 88% आए, 70% आए, इस तरीके से ही आप बताते हो, राइट। सो परसेंटेज इज अ बेस्ट वे टू कंपेयर थिंग्स, है ना। टोटल में से आपने कितना परफॉर्म किया है उसको, उस चीज को देखने का सबसे बढ़िया रास्ता है। तो परसेंटेज में सबसे पहले देखो, परसेंटेज का जो मतलब है वो आउट ऑफ 100 है, मतलब परसेंटेज के साइन को मैं 1/100 से रिप्लेस कर सकता हूं हमेशा। परसेंटेज मीन्स 1/100, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, राइट। परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करें और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। तो परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो, परसेंटेज को आप कन्वर्ट करना चाहते हो फ्रैक्शन में, तो देखो अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन का मतलब क्या है वो भी अभी समझ लेते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू नीड टू डिवाइड दैट वैल्यू बाय 100,
एंड इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज यू हैव टू डू रिवर्स, यू सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाई 100. ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने ये कहा कि ए इज हाइट ऑफ ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, राइट, हाइट ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ कि ए की हाइट परसेंटेज टर्म्स में बी की आधी है, और आधी का मतलब होता है 50%. और ये क्यों होता है 50%? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा? 1/2 × 100 इज 50%, राइट. इसी तरीके से हर फ्रैक्शन की एक परसेंटेज वैल्यू होती है और हर परसेंटेज की एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, राइट. तो जैसे कि अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का मतलब क्या होता है? टोटल 100%. 1/2 मींस व्हाट? 50%. 1/3 मींस व्हाट? 1/3 इज 33, 1/3%, राइट. जब आप 1/3 × 100 करोगे, यानी 100 को 3 से डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा? 33 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 33 1/3%, और अप्रोक्सीमेटली इट कैन बी रिटन एज 33.33%. यस, नाउ नेक्स्ट अगर देखें तो 1/4 की हम बात कर सकते हैं. तो जैसे अगर मैंने 1/2 की बात करी तो मैं 1/4 इसके आगे लिखता हूं ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए. 1/2 से 1/4 की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मैं 1/2 को आधा करूंगा, तो 1/2 का आधा अगर मैंने किया तो 1/4 आया, तो यहां पर राइट हैंड साइड में 50 का आधा करेंगे कितना आएगा? 25%, राइट. अच्छा, जब मैं फिर से इसका आधा करूंगा तो 1/4 का भी आधा होता है 1/8, दैट इज व्हाट? 12.5%. देखो ये बहुत चीजें बेसिक हैं, मुझे ही पता है ना, आप में से बहुत लोगों को आती होंगी, लेकिन मैं एक कंप्लीट वीडियो चाह रहा हूँ परसेंटेज का, इसलिए मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता, ताकि भविष्य में भी अगर कोई बच्चा देखे, है ना, अगर इसको देख रहा हो, ऐसा बच्चा देख रहा हो जिसको कुछ नहीं आता परसेंटेज में, है ना, जिसने लास्ट 7th 8th क्लास में पढ़ा था परसेंटेज, तो उसको भी समझ में आ जाए चीज़ें, इसलिए मैं एकदम बेसिक से चीज़ें लेकर चल रहा हूँ. तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सवाल भी आएंगे और कॉन्सेप्ट भी आएंगे, है ना, और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए चलेंगे. 1/16 अगर बात करें तो 1/16 1/8 का भी आधा होगा, तो 12.5 का आधा कितना होगा? 6.25%. और इसका भी हाफ मैंने किया तो 1/16 का हाफ होता है 1/32, दैट इज व्हाट? 6 का आधा 3, और देखो इसको मैं 250 भी लिख सकता हूँ, 0.250, और 250 का आधा होता है 125, तो 3.125%. ठीक है, इसी तरीके से 1/3 से रिलेटेड फ्रैक्शंस भी आप बना सकते हो. 1/3 इज 33.33%, सो 2/3 इज डबल ऑफ दिस, तो डबल ऑफ 33 1/3 इज व्हाट? 66.2/3%, एंड इन टर्म्स ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू इट इज 66.66%, राइट. ओके, अच्छा, अब 1/4 हो गया. अब मैं आता हूं 1/5 पर, तो 1/5 आप देखो तो 1/5 कितना होता है? 1/5 × 100 करोगे कितना आएगा? 20%. किसी चीज का 1/5 मतलब उसका 20%. फिर मैं आगे गया, 1/5 का डबल अगर किया तो 2/5 विच इज व्हाट? 40%. ठीक है, 3/5 हो जाएगा, 3 × 20 = 60%, 4/5 = 80%, एंड सो ऑन. ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम आए तो 1/6 पर आ सकते हैं. 1/6 इज नथिंग बट 16.66%, और वी कैन से इट इज 16 2/3%, 16.66%. ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. अच्छा, 1/6 से रिलेटेड और फ्रैक्शन क्या हो सकती है? इट कैन बी 5/6, पर उसको हम डिफरेंट तरीके से निकालेंगे. ठीक है, ओके, लेट इट बी. इसके आगे अगर हम चलते हैं तो 1/7 की बात करते हैं, है ना. 1/7 की अगर हम बात करेंगे तो जब 100 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 14 टाइम जाएगा, बचेगा कितना? 2. 14 2/7%, और अप्रोक्सीमेटली इट इज नथिंग बट 14.28%. आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, याद रखने का एक ट्रिक आप खुद ही बना सकते हो. देखो, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, है ना. अब अगर जैसे 2/7 अगर हम निकालें तो देखो 2/7 क्या बनेगा? इसका डबल कितना होगा? 28.56%, और 28 4/7%.
इनफैक्ट मैं इसका हाफ भी कर सकता हूँ, और जब इसका हाफ मैं करूंगा तो मुझे 1/14 मिल जाएगा, है ना। 1/14 कितना होगा, इसका आधा। तो जब मैं इसका आधा किया तो इसका भी आधा करूंगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 7/1/7%। एंड इन टर्म्स ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू इट इज 7.14%। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। नाउ सिमिलरली वी कैन आइडेंटिफाई अदर वैल्यूज ऑल्सो। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि 1/12 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/12 इंटू 100 आप करोगे तो 12 8 96, है ना, 12 8 96 बचेगा कितना, 4 बचेगा, 4/12 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 1/3, 8 1/3%, वी कैन से इट इज 8.33%। ठीक है, 1/12 हो गया। अच्छा, 1/11 की अगर हम बात करें तो 1/11 होता है, या इनफैक्ट पहले हमें 1/9 की बात करनी चाहिए। 1/9 की अगर हम बात करें तो 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 100 को 9 से आप डिवाइड करो तो 9 × 11 इज 99, बचेगा 1, 11 1/9%, तो इट इज 11.11%। देखो 1/9 आप जब करोगे तो 9 1 9 9 1 9 1 1 1 1 रिपीट होता जाएगा, रिकरिंग होगा, तो वी कैन सिंपली राइट दिस इज 11.11%। एंड 1/11 की जब हम बात करते हैं तो 1/11 इज नथिंग बट 9 1/11%, रिवर्स उल्टा, 9 इधर चला गया, 11 इधर आ गया, 9.09% अप्रोक्सीमेटली। अगर हम 1/13 की बात करें तो 1/13 इज नथिंग बट 13 से 100 को आप डिवाइड करोगे, 13 7 91, बचेगा 9/13%, 7 9/13%, और 7.69%, ये भी हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। 1/14 हो ही चुका है, अब मैं आता हूँ 1/15 पर। 1/15 इज नथिंग बट 6 2/3%, और वी कैन से इट इज 6.66%। ठीक, अच्छा, 1/16 हम कर ही चुके हैं पहले, 1/17 की बात कर लेते हैं। 1/17 इज नथिंग बट 5 15/17%, और वी कैन से इट इज 5.88%। ठीक है, 1/18 की बात करें तो 1/18 कितना होता है, 5.5/9% और 5.55%। 1/19 की बात करेंगे तो 1/19 इज 5.19% और वी कैन से 5.26%। एंड द लास्ट वन, 1/20 की बात हम करेंगे तो 1/20 इज नथिंग बट 1/20 × 100 आप करोगे कितना आएगा, 5%। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं। यस, ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन हुए। ये हुए कुछ बेसिक फ्रैक्शंस, और इनसे बनने वाले फ्रैक्शंस भी आप बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, 87.5% आपको बनाना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। 87.5% निकालने के लिए देखो, आप फ्रैक्शन को स्प्लिट भी कर सकते हो, परसेंटेज वैल्यू को, सॉरी, जब आप स्प्लिट करोगे तो ये क्या आएगा, 100% - 12.5%, 100% - 12.5%, ऐसे लिख सकते हो इसको। 100% मींस 1 और 12.5% मींस 1/8, सो 1 - 1/8 इज नथिंग बट 7/8। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, और जैसे अगर मैंने आपसे पूछा 83.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। देखो, पहला तरीका क्या है, इसको आप कर सकते हो 10 × 8.33%, राइट, यानी कि 10 × 8.33%, अभी हमने देखा था 8.33% इज नथिंग बट 1/12, है ना, तो इट इज 1/12, 10 × 1/12 मतलब इट इज नथिंग बट 2 से कैंसिल करो, 5/6। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 83.33% को ऐसे ब्रेक कर सकते थे ना, 50% + 33.33%, 50% means what, 1/2, and 33.33% means 1/3, तो जब आप दोनों को ऐड करते हो तो बनता है 5/6। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट।
ठीक है चलिए। तो अब जैसे अगर बहुत सारे फ्रैक्शंस इस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन वी विल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी इसीलिए होता है ताकि हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर पाए, और रेशियो में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो सवाल सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने आपसे अगर ये कहा कि ए इज 25% मोर देन बी, ए कोई वैल्यू है और बी कोई वैल्यू है, ए की वैल्यू 25% ज्यादा है बी से, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? तो यहां पर देखो फ्रैक्शन का यूज होता है, 25% आपको डायरेक्टली पता है इट इज नथिंग बट 1/4, राइट। तो अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालूंगा तो हमें कहा गया ए इज 1/4 मोर देन बी, तो मैंने रेफरेंस के लिए बी को क्या मान लिया, 4 मान लिया, बिकॉज बी का 1/4 करना है, तो इसको 4 का मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज 4 इटसेल्फ, तो 4 माना है तो 4+1 ये कितना आ जाएगा 5, तो ए और बी का हम रेशियो निकाल सकते हैं 5:4, राइट। अब मुझे आप रेशियो बताओगे ए और बी का, यहां पर अगर मैंने रिलेशन ऐसे दिया है ए इज सपोज ओके 13.75% लेस देन बी, मैंने आपसे कहा कि ए इज 13.75% लेस देन बी, सो व्हाट इज ए इज टू बी, टेल मी ए इज टू बी क्या होगा बताओ। A is 13.75% less than B, है ना? अब less दिया गया है और value दी गई है 13.75, तो अब A और B का ratio क्या होगा ये आप मुझे बताइए। हाँ जी बना किसी पर 5:6, 7:10, देखो क्या करना है आपको। सबसे द ओनली चैलेंज हियर इज टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, तो क्या क्या करोगे देखो 13.75% की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें नहीं पता, राइट, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसके आसपास कोई वैल्यू पता है जिससे कि हम स्प्लिट कर पाए इसको, तो वी नो 12.5%। क्या मैं इस नंबर को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? देखो ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है, तो दिमाग में आना चाहिए 12.5% प्लस 13-12 इज 1 एंड 75-50 इज 25, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 12.5% प्लस 1.25%, व्हाट इज 12.5%, 12.5% मींस 1/8 एंड 1.25% मतलब इसका क्या होगा आपको पता है 12.5 1/8 है, तो 1.25 इसका 1/10 है, अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं तो 1.25 मिल जाता है, तो इसका 1/10 जब मैंने किया तो इट इज 1/80, है ना, इसको मैं 10/80 भी लिख सकता हूँ, 10/80 मिलने लिखा है 1/80 लिखा, ऐड किया तो 11/80 हो गया, राइट 11/80 हो। अब ए इज 11/80 लेस देन बी, सवाल हो गया ये, तो मैंने रेफरेंस के लिए बी को क्या मान लिया, 80 मान लिया, एंड ए उससे कितना कम है, 11/80 कम है, तो इसका 11/80 जब आप निकालोगे तो क्या आएगा 11 आएगा, और जब 80 में से 11 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 69, सो ए इज टू बी इज 69:80, यस ए इज टू बी क्या बनेगा 69:80 बनेगा, यस yes. बात समझ में आ गई सभी को? चलिए तो इस तरीके से आप रेशियो को
कन्वर्ट कर ये जो रिलेशन दिए गए हैं उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा ओके, तो अब ऐसे तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ए से 12.5% बड़ा है बी, और बी से 20% छोटा है सी, है ना। तो मुझे आप बताओ ए टू बी टू सी रेशो क्या बनेगा, है ना। ये भी यहां से निकाल सकते हैं कि अगर हमें ए से कनेक्ट करना है बी को, बी से कनेक्ट करना है सी को थ्रू अ परसेंटेज वैल्यू, तो हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बताओ, क्या होगा इनका रेशियो? देखो हमें पता है कि 12.5% का मतलब है 1/8, है ना, और 20% का मतलब क्या है 1/5, इसका मतलब 1/8 है और इसका मतलब 1/5 है। यहां से मुझे ए टू बी का रेशियो मिल जाएगा, ए अपॉन बी क्या मिलेगा, देखो ए से 12.5% ज्यादा है बी, तो मैंने ए को माना 8 और बी कितना हो जाएगा उससे 1 ज्यादा यानी कि 9, राइट। अच्छा बी और सी का रेशियो मैं यहां से निकाल सकता हूं, बी अपॉन सी कितना होगा, बी को मैं क्या मानूंगा रेफरेंस, जो इनिशियल वैल्यू है उसको रेफरेंस मानूंगा 5, और ये इतना कम है तो 5 में 1 कम कर दिया तो ये हो गया 4, ठीक है। अब इन दो रेशियोज को क्लब कैसे कर सकते हैं, तो हमें देखो बी के थ्रू इनको क्लब कर सकते हैं, बी की वैल्यू यहां पर 9 है यहां पर 5 है, तो मैं इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले एक काम करता हूं, इन दोनों को सेम बनाने के लिए यहां 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, और यहां 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज क्या आई, देखो जरा ए बी सी की वैल्यूज क्या आई, ए की वैल्यू आई 8 × 5 = 40, बी की वैल्यू क्या आई 5 × 9 = 45, और सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू 9 × 4 = 36। तो ये हमारे पास ए बी सी का रेशियो हो गया, ठीक है। रेफरेंस वैल्यू वाला फिर से बताते हैं, देखो ए और बी का रेशियो अगर मुझे निकालना है, मुझे ये पता है कि ए से 12.5% ज्यादा है, 12.5% का मतलब है 1/8, तो मैं इनिशियल वैल्यू को ये मानूंगा 8, मतलब मैंने ए को 8 माना तो बी उससे 1 ज्यादा होगा मतलब 9 हो जाएगा, तो मतलब ए और बी का रेशियो हो गया 8/9। और इसी तरीके से बी और सी का रेशियो जब हम निकालेंगे तो ये इससे 1/5 कम है, 20% कम है मतलब 1/5 कम है, तो बी को अगर हम 5 मानेंगे तो सी की वैल्यू उससे 1 कम यानी कि 4 हो जाएगी, तो 5:4 हो गया। फिर मैंने इनको ज्वाइन कर लिया रेशियोज को, जो कॉमन वेरिएबल है उसको इक्वल बना के, ठीक है ना। ये थी कहानी। परसेंटेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, है ना, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है एक के बाद एक चेंज, है ना। अब वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहां पर एक नंबर था उसको 30% इंक्रीज किया, और 30% इंक्रीज करने के बाद फिर मैंने उसको 20% चेंज किया, 20% इंक्रीज किया, मतलब पहले 30% इंक्रीज किया फिर 20% इंक्रीज किया, तो आप मुझे बताओ कि यहां से यहां तक ओवरऑल चेंज कितना आएगा, ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज आएगा ये मुझे बताना है, बताइए जरा। ओवरऑल चेंज कितना परसेंट आएगा,
भाई देखो ओवरऑल चेंज यहाँ पर अगर आप निकाल रहे हो तो कई तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हो कि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू को 100 मान लो, है ना। अगर मैंने इस वैल्यू को 100 माना, तो पहले मैंने देखा कि 100 का 30% है 30, तो मैंने इसमें 30 ऐड कर दिया, तो हो गया 130, 130। यस। अच्छा उसके बाद फिर मैं जब 20% निकालूंगा ना, तो इसका निकालूंगा, इस बढ़ी हुई वैल्यू का, ना कि बेसिक का, है ना। इसका 20% निकालेंगे तो इसका 20% होगा, व्हाट इज 10% ऑफ दिस नंबर, 13, तो 20% उसका डबल, यानी 26। तो जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 156। तो पहले वैल्यू 100 थी और अब हो गई 156, मतलब व्हाट इज द चेंज, तो चेंज है नेट 56% का। कितने का चेंज है? 56% का चेंज है। यस। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? तो देयर इज अ फॉर्मूला कि नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज जो होता है, अगर दो चेंज आपको दिए गए हैं सक्सेसिव, तो नेट परसेंटेज चेंजेस ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, है ना, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। तो व्हाट इज ए हेयर? ए इज 30, बी इज 20, तो 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 बाय 100, सो वी कैन से इट इज 50 प्लस 6, यानी 56%। फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। तो पहला तरीका हुआ कि हमने 100 मान के किया, और दूसरा तरीका हुआ कि हमने फॉर्मूले से निकाला। देखिए ये दोनों तरीके तभी काम कर सकते हैं, दोनों तरीके तभी काम कर सकते हैं जब वैल्यूज आसान दी गई हो, 30, 20, 50, 40, 25, 20, इस टाइप की वैल्यू दी गई हो। जब कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी जाती है, पॉइंट में वैल्यू दी जाती है, तो ये जो मेथड्स हैं वो इतने कन्वीनियंट नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि अच्छा एक और बात, पहले उस मेथड पर बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बता दूं कि अगर मैं यहां पर 20% को पहले ले लेता और 30% को बाद में लिखता, तो क्या मेरे आंसर पर कोई इम्पैक्ट आता? आप बताइए कि अगर मैं 30 20 की जगह 20 30 कर देता, तो क्या मेरे आंसर पर कोई इम्पैक्ट आएगा या सेम आंसर आएगा? नो चेंज, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर आपने सही बताया है कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज, है ना। बिकॉज जैसे आप 100 मानोगे तो ये हो जाएगा 120, और इसका 30% निकालेंगे तो 36, 12, 3 का 36 ऐड करोगे 156, सो द चेंज विल बी 56% इटसेल्फ, 56% ही होगा। यस, 56% ही आंसर आएगा मेरा। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप पहले इधर ए को ले लो फिर बी को ले लो, या पहले बी ले लो फिर ए ले लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा, मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसकी भी अभी हम बात करेंगे, वो भी आपको डेप्थ में समझ में आएगा। इनफैक्ट अगर तीन वैल्यूज भी हैं तो भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो उनको, ठीक है। तो अब ऑर्डर मैटर क्यों नहीं करता है वो भी समझ लीजिए। तो देखो अगर आपको वैल्यू दी गई है, सपोज ये सबसे पहले कोई भी वैल्यू इंक्रीज हुई 12.5% से, वो डिक्रीज हुई 33.33% से, एंड देन फिर इंक्रीज हुई 25% से। अब एक तो देखो तीन वैल्यू या चार वैल्यूज दे दी जाए तो फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है नहीं, बिकॉज फॉर्मूला तो दो के लिए, तीन के लिए फिर अलग फॉर्मूला आप याद रखोगे, चार अगर दिए गए फिर अलग याद रखोगे, तो दैट इज नॉट फीजिबल थिंग, है ना, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो इसीलिए, और प्लस अगर मैं 100 मानकर भी करूंगा तो 100 का 12.5% तो पॉइंट में आएगा 12.5, फिर उसका फिर 33.33% निकालूंगा, तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो यहां पर जो हमारा काम आएगा वो रेशियो मेथड काम आएगा, है ना। तो यहां पर हम इसको कैसे करेंगे, इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। इसको रेशियो से कैसे कर सकते हैं कि सपोज मैंने ये वैल्यू मानी एक्स, है ना, देखो इस वैल्यू को मैंने माना एक्स और इसको मैंने माना वाई, यहां पर है वैल्यू एक्स और यहां पर है वैल्यू वाई, तो मैं x और y को कैसे कनेक्ट करूंगा? देखो अब मैंने ये 12.5% वाली वैल्यू थी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 1/8, तो x को मैंने 1/8 से बढ़ाया। अगर मैंने किसी चीज को 1/8 से बढ़ाया तो वो अपने आप की 1+1/8 टाइम्स हो जाएगी, 1+1/8 टाइम्स हो जाएगी। अब बहुत लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया, तो इसके लिए एक कॉर्नर में एक स्क्वायर बना के मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि अगर मैंने एक वैल्यू x को 20% से बढ़ाया है ना, 20% से बढ़ाया है, तो वो अपने आप का 100% तो पहले ही थी और 20% बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, 120% हो गई, राइट।
तो यानी कि ये अपने आप की 120% हो गई, और 120% का मतलब 120 बटा 100 इंटू एक्स, दैट मीन 6/5, तो इट बिकम 6/5 ऑफ एक्स। अगर इसी चीज को फ्रैक्शन से करते तो कैसे करते कि 20% का मतलब होता है भाई 1/5, वैल्यू 1 यानी कि 100% यानी कि 1 तो पहले से ही थी, उसमें 1/5 और ऐड हो गया, मतलब इट बिकम 6/5 टाइम्स, राइट। वही चीज यहां पर हो रही है, 1/8 अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं किसी वैल्यू में तो वो अपने आप का कितना गुना हो रही है 1+1/8, फिर मैंने 33.33% डिक्रीज किया यानी 1-1/3 हो गया, फिर मैंने इंक्रीज किया 25% से तो 1+1/4 हो गया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 25 इज 1/4 एंड दैट बिकम्स y फाइनली, ये हो गया y, राइट। यस, नहीं 800 वगैरह लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे x और y में रिलेशन देख सकते हो यहाँ पर, ये x है, x into this is what 9/8, this is 1-1/3 मतलब 2/3 and this is 5/4 and that is equal to y, right? तो 2 से गया ये 4 times, 3 से गया ये 3 times, right? So x upon y कितना हो जाएगा यहाँ पर, x upon y हो गया 4 4 16 and 5 3 15, 16/15। तो अगर मैं x से y में चेंज देख रहा हूं तो मैं ये देखूंगा x के रेस्पेक्ट में y जो है कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देखो हमेशा परसेंटेज चेंज जो निकाला जाता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, यहां पर x जो है इनिशियल वैल्यू है और जो कि 16 के बराबर है, तो 1 का डिक्रीज हुआ से y तक जाने में 1 का डिक्रीज हुआ 16 पर, एंड यू नो 1/16 इज 6.25%, शुरुआत में आपको बताया था, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6.25%। बताओ क्लियर है सभी को, यस और नो, बताएं जल्दी से। ठीक है ना, नहीं नेगेटिव, अब नेगेटिव में आप लिख सकते हो देयर इज अ डिक्रीज, डिक्रीज है तो माइनस तो आएगा ही ना, मैं चेंज पूछ रहा था, चेंज बेसिकली साइन से इंडिपेंडेंट होता है, आप चेंज का मतलब 6.25% का चेंज है वहां पर, है ना, इंक्रीज है या डिक्रीज है उसमें माइनस लगा देंगे, डिक्रीज है तो ठीक है। चलिए अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा और ज्यादा कन्वीनियंट है, अगर मुझे एक्स और वाई का रेशियो निकालना था तो मैं सीधे ऐसे लिखता इनिशियल वैल्यू x और फाइनल वैल्यू है y, मैं x और y का रेशियो इस तरीके से यहां पर लिख देता। अब इसके बाद मैं क्या करता, मैं ये देखता कि ये 1/8 का इंक्रीज है, 1/8 का इंक्रीज है मतलब वैल्यू पहले मैंने 8 मान, देखो 12.5% है ना, 12.5% मतलब 1/8 का इंक्रीज है, मतलब वैल्यू पहले 8 थी तो 8+1 अब कितनी हो गई, 9 हो गई, राइट, 8+1 9 हो गई। फिर जो है 33.33% का डिक्रीज है, 33.33% का मतलब 1/3 का डिक्रीज है, मतलब वैल्यू पहले 3 थी तो 3 से क्या हो गई, 2 हो गई, राइट। और जो तीसरा चेंज है दैट इज 25%, तो 25% का मतलब है और वो इंक्रीज है, मतलब 1/4 का इंक्रीज, दैट मींस वैल्यू को पहले 4 माना, 4 में 1 का इंक्रीज कर दिया, 4:5 हो गया। अगर हम नेट चेंज निकाल लेंगे यहां पर तो कैसे निकालेंगे, देखो इन तीनों का प्रोडक्ट x आएगा और इन तीनों का प्रोडक्ट y आएगा, और जब रेशियो निकालते हैं तो प्रोडक्ट में कॉमन चीजें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, यस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी चीजें कॉमन है वो कैंसिल कर देंगे। अब प्रोडक्ट निकालने के बाद कैंसिल करने से बढ़िया है कि आप पहले ही कैंसिल कर दो ताकि प्रोडक्ट ना करना पड़े आपको, है ना, अननेसेसरी कैलकुलेशन ना हो, तो लेफ्ट और राइट में जो भी अगर कुछ भी कॉमन आपको दिखता है तो काट दो, जैसे 3 से 3 बार कट गया, 2 से 4 बार कट गया, तो 4 × 4 अब यहां पर 4 बचा यानी 16, और यहां पर बचा 5 × 3 यानी कि 15, तो 16 से 15 मतलब 1 का चेंज है 16 पर, तो 1 का चेंज है 16 पर, तो 1/16 होता है 6.25%, तो आंसर इज 6.25% डिक्रीज। तो इसी मेथड को मैंने क्या किया, यहां लिख दिया इस तरीके से, देखो अल्टीमेटली काम तो वही हो रहा है ना कि 1+1/8 मतलब 9/8, तो आप देख रहे हो 8 इधर और 9 इधर, फिर रेशियो आया 2/3 तो 3 और 2, 3 और 2, फिर रेशियो आया 5/4 तो 4, 5,
4-5 है ना, तो इस मेथड में काम वही हो रहा है, पर ये जो है थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है ना, ये इसको बोलते हैं रेशियो मेथड है ना, रेशियो मेथड बोलते हैं, ये थोड़ा ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, जल्दी से आंसर दे देगा है ना। थैंक यू एसडीएम भाई, थैंक यू सो मच। चलिए देखो, अब देखो अगला एक रिसीवर बेस्ड में आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। सपोज मैंने आपको कहा कि कोई वैल्यू 20% इंक्रीज हुई, देन उसके बाद वो वैल्यू 16 2/3% इंक्रीज हुई, देन वो वैल्यू 25% डिक्रीज हुई, एंड उसके बाद वो वैल्यू सपोज कीजिए 14.2/7% इंक्रीज हुई, तो व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज या ओवरऑल चेंज, ओवरऑल चेंज क्या होगा बताओ। ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज, ओके चलिए देखते हैं। देखो इस वैल्यू को मैंने माना इनिशियल एंड दिस इज फाइनल आई एंड एफ है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पर आई लिख दिया और यहाँ पर एफ लिख दिया, इनिशियल एंड फाइनल। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है आपको परसेंटेज की वो क्या है 1/5, 1/5 का इंक्रीज, मतलब वैल्यू पहले 5 थी तो 5+1 अब कितनी हो गई 6 हो गई, 16 2/3% इंक्रीज, यानी कि वैल्यू में चेंज हो रहा है 1/6 का, बिकॉज इसकी वैल्यू होती है 1/6, तो वैल्यू पहले 6 थी तो 6+1 अब क्या हो गई 7 हो गई, ये 25% यानी 1/4, और ये डिक्रीज हो रहा है तो 4 में एक कम हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 14 2/7% यानी कि 1/7, यानी कि वैल्यू पहले 7 थी तो 7 में एक इंक्रीज हो गया 8 हो गया। अब लेफ्ट और राइट में जो भी चीज़ कॉमन दिखे पहले तो उसको काट दो है ना, तो जैसे कि 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 से 2 times कैंसिल हो गया, अब तो कुछ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5 और ये 3 into 2 6, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो चेंज आया 1 का चेंज है 5 पर, विच इज नथिंग बट 1/5 मीन्स 20%, तो द आंसर इज 20%। अब देखो ये मेथड कितना फास्ट है कि नहीं, यस और नो, फास्ट है कि नहीं ये मेथड बताओ, इससे जल्दी हो जाएगा ना, कन्वीनियंस वाली बात है, बाकी बेसिक तो आपको समझ में आ ही गया, यू नो द आइडिया बिहाइंड दिस मेथड है ना, ये तो आपको पता है कि कैसे आ रहा है, अब आप इसको लगा दो। अब इसका फायदा एक और है कि अगर कोई वैल्यू बीच में मिसिंग है तो वो भी आप निकाल सकते हो, आपको अगर इनिशियल फाइनल पता है और बीच में कोई वैल्यू मिसिंग है ये आप जानते हो तो भी आप इस मेथड को लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो देखो जरा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज देयर इज द चेंज ऑफ 16.66% here, there is a change of x percent from this to this, and there is a change of, there is a decrease of 10% from this to this. Now, overall I know कि यहाँ से यहाँ तक, या तो ये दोनों values मुझे पता है या फिर direct मुझे percentage पता है, ये value पता है तो direct इनका ratio भी निकाल सकता हूँ, और अगर percentage पता है तो और अच्छी बात है, percentage let's suppose overall जो change आया है वो आया है 55.55% का, so tell me what is the value of x, x percent क्या है, x कितना परसेंट होगा यहाँ पर,
55.55% कैसे आएगा? चलो ये कैसे आया, ये दिया गया है, ये आया नहीं है, ये दिया गया है आपको ऑलरेडी कि नेट जो चेंज है वो इतना है, बीच वाला जो चेंज है ये मिसिंग है जो हमें बताना है। तो कैसे कर सकते हैं देखो इसको, सबसे पहले तो 16.66% का मतलब होता है 1/6, यस। अच्छा 55.55% क्या होगा? देखो आप जानते हो 11.11% को, तो क्या मैं इसको 5 × 11.11% लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो इट इज 5 × 11.11% मीन्स 1/9। तो 5 × 1/9 मतलब इट इज नथिंग बट 5/9, है ना? ये क्या होगा? 5/9 होगा, यस। 5/9 हो गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखो ये जो चेंज है वो है 1/6 का, यानी कि 6 थी वैल्यू और 6 में एक इंक्रीज हो गया, 7 हो गया। ये x परसेंट है, आई डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ x, तो आई कैन अज्यूम द रेशियो टू बी एज टू बी। भाई जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग कुछ तो रेशियो बनेगा ना, तो लेट सपोज ए एक्स की वजह से रेशियो बना एज टू बी, क्योंकि x तो अननोन है तो रेशियो भी अननोन माना एज टू बी। यहां पर है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 1/10 का डिक्रीज मतलब 10 में 1 का डिक्रीज, तो 10 - 1 कितना हो गया? 9 हो गया, राइट। अगर मैं ओवरऑल निकालूंगा तो देखो ओवरऑल क्या होगा, 3 से पहले 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से 3 टाइम्स, 10 × 2 = 20a, दिस इज 20 × a एंड दिस इज 7 × 3 = 21 × b, ये ओवरऑल रेशियो आएगा। और हमें ये भी पता है कि ओवरऑल रेशियो इससे आएगा क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज चेंज तो ये है 55.55%, तो 55.55% की वैल्यू है 5/9, मतलब ओवरऑल जो रेशियो आएगा वो 9 × 9 + 5 = 14 आएगा, मतलब कि 20a / 21b किसके बराबर होना चाहिए? 9 × 14 के बराबर होना चाहिए, 9/14 के बराबर मैंने इसको लिख दिया। तो 7 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, राइट। तो a² कितना आ गया? 9 × 3 = 27 एंड दिस इज 20 × 2 = 40, राइट। तो यहां जो चेंज होगा वो कितने का होगा? 13 का चेंज है, यस, 13 का चेंज है 27 पर, 13/27 × 100%, यानी कि आंसर इज 1300/27%, 1300/27%, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो रेशियो मेथड से हम वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो बीच में मिसिंग है, है ना? ऐसा नहीं कि ओवरऑल ही निकाल सकते हैं हमेशा, अगर मिड में कोई वैल्यू मिसिंग है तो वो भी हम यहां पर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे ये कहा एक्स इक्वल्स टू ए इंटू बी, एक्स बराबर है ए इंटू बी के, है ना? हमने ए को 25% बढ़ाया है और बी को लेट सपोज 20% बढ़ाया है, तो व्हाट इज द चेंज इन एक्स, एक्स में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, यानी कि इंक्रीज होगा, ये मुझे बताना है, बताइए। हाँ बिल्कुल प्रणय, आगे भी आएंगे उस टाइप के सवाल, फिलहाल हम बेसिक कवर करते हुए चल रहे हैं, तो एग्जांपल एक एक दो दो हर चीज़ के ले रहे हैं, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी। हाँ जी 30, चलो देखते हैं। देखो पहला तरीका, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। सो लेट सपोज ए और बी हमने यहाँ लिख लिए, और ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एक्स। तो अगर मैं ए के रेशियो की बात करूँगा, ए की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की, तो ए की इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या होगी? देखो ए
ए में जो चेंज है 25% का, यानी 1/4 का, यानी कि ए की वैल्यू पहले 4 थी और 4 में एक इंक्रीज होकर 5 हो गई। बी की वैल्यू में 1/5 का चेंज है, मतलब वैल्यू पहले अगर 5 थी तो 5 में एक इंक्रीज होकर क्या हो गई, 6 हो गई, राइट? यस। अमन पहले पढ़ाई कर लो, है ना, ये सब जब मैं आपसे डाउट पूछने को बोलूं तो जब आप पूछ लेना, ठीक है, तब आप पूछ लेना, जब जेनरिक क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे, पहले एक बार फ्लो बना हुआ है तो यार बना रहने दो, अच्छा रहेगा, है ना। देखो x क्या है, a और b का प्रोडक्ट, तो अब देखो a और b का प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ 5 × 4 = 20, मतलब पहले a और b का प्रोडक्ट 20 था और अब 6 × 5 कितना हो गया, 30 हो गया, तो मैंने 0 से 0 काट दिया, तो 2:3 a और b का रेशियो बना, है ना। यानी जो x में चेंज आएगा वो कितने का आएगा, एक का चेंज आएगा 2 पर, तो 1/2, यानी कि व्हाट इट इज, व्हाट 50%, कैन आई से कि x इज नथिंग बट 50%, a से b मतलब 2 से 3 हो गया, मतलब 50% का चेंज हुआ। यस, थैंक यू गिरधारी भाई, थैंक यू सो मच। देखो अब दूसरा क्या, इसमें ये भी तो कर सकते थे कि जो चीज है कॉमन है उसको काट देते, तो मुझे दिखाया कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार कैंसिल, 2 से 3 बार कैंसिल, तो मैं यहाँ पर 2:3 लिख सकता हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो चेंज है वो 1/2 का चेंज है, 50%, है ना। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पर एक चीज सीखी कि यहाँ पर काम तो वही हो रहा है जो कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में होता है, वहां पर भी तो ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट राइट में कैंसिल कर देते हैं और फाइनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी तो वही काम हो रहा है। दैट मीन्स कि जहाँ पर भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है वहां पर हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर हम इन दोनों में सक्सेसिव लगा देते 25 + 20 + 25 × 20/100, ऐसे करके भी तो निकाल सकते थे, तो ये हो गया 500 × 100 मतलब 5 45 + 5 मतलब आंसर आ जाता हमारे पास 50%। यस 50%, क्लियर। डायरेक्ट अगर मैं निकालना चाहता बिना रेशियो के तो मैं इन दोनों में सक्सेसिव लगा देता, क्यों लगा देता, बिकॉज एक्स द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जहां पर ए और बी का प्रोडक्ट हो रहा हो या दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा हो वहां पर हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। यस, ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे। अब मैं सवाल थोड़ा सा चेंज करता हूं यहां पर, और मेरा सवाल है ये, मैंने लिखा x इक्वल्स टू a इंटू बी स्क्वायर, एक्स बराबर है a इंटू बी स्क्वायर, जहां पर मैं a को चेंज कर रहा हूं 10% से इंक्रीज किया a को, b को मैंने 9.09% से इंक्रीज किया है, सो x में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, दैट आई हैव टू फिगर आउट, बताइए जरा x में कितना परसेंट चेंज होगा, बताओ। वेरी गुड रजत, वेरी गुड, इंटरव्यू में अच्छा कीजिए, फाइनल सिलेक्शन लीजिए यूपीएस पीओ में। चलिए अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि ए और बी पर डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर का क्या मतलब है, भाई स्क्वायर का मतलब है एक्चुअल में ये है क्या, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स बराबर
ए इंटू बी इंटू बी, तो स्क्वायर को इग्नोर करने का मतलब है कि यहां पर आप एक बी को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, विच इज नॉट करेक्ट, आपका आंसर गलत आएगा। तो आपको सिंपल मेथड में बता देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप ए लिखो, बी लिखो और बी स्क्वायर लिखो इनफैक्ट, और यहां पर ए इंटू बी स्क्वायर होगा एक्स। अच्छा, ए में जो चेंज आ रहा है वो 10% का चेंज आ रहा है, दैट मींस 1/10 का। तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू पहले 10 थी, तो 10 में 1 इंक्रीज होकर 11 हो गई, है ना, 10:11 हो गई वैल्यू, यस। और बी स्क्वायर में अगर हम देखें तो बी स्क्वायर में 9.09%, मतलब 1/11 का चेंज है, 1/11 का चेंज है, मतलब वैल्यू को पहले 11 थी और अब 11+1=12 हो गई। लेकिन यहां पर स्क्वायर भी आएगा क्योंकि हम बी स्क्वायर की बात कर रहे हैं। भाई बी में जो चेंज हुआ है, बी की वैल्यू पहले 11 थी अब 12 हो गई, लेकिन जब बी स्क्वायर की बात होगी तो 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर लिखेंगे, यस। तो लेफ्ट और राइट में पहले कॉमन चीजों को कैंसिल कर देते हैं, 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये हो गया 110 और ये कितना हो गया 144, तो इट इज नथिंग बट 55:72। व्हाट इज द चेंज, 17 का चेंज है 55 पर, 17/55×100, 5 से गया 11 टाइम्स, 5 से गया 20 टाइम्स, सो इट इज 340/11%। तो एक्स में, एक्स की जो वैल्यू आएगी, या इनफैक्ट एक्स में जो चेंज आएगा वो आएगा 340/11%, राइट। बात समझ में आई सभी को? अच्छा, जब x बराबर a इंटू b वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो, कई कई जगह वो इस्तेमाल होता है, है ना। जैसे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वहां पर वो लगा सकते हो आप, है ना, जो आपने सीखा है। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, यहां पर भी लगा सकते हो, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन, इस पर बेस्ड भी सवाल आते हैं, वहां पर भी आप उसी तरीके से कर सकते हो, है ना। या फिर और भी कोई रिलेशन जहां पर एक्स बराबर ए इंटू बी हो, वहां पर ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। तो नाउ, अब हमने काफी चीजें बेसिक कवर की हैं, लेकिन बेसिक का मजा सीखने का तभी आता है जब हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई भी करते चले। सो लेट्स प्रोसीड टू सम बेसिक क्वेश्चन, पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे, है ना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल ये है आपके सामने, देखो जरा इसको। सवाल है, 64 इज एडिट इन अ नंबर देन बिकम्स 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बताइए ओरिजिनल नंबर क्या था, ये हमें बताना है। So 64 is added to a number, then it becomes 157 1/7% of itself. So what is 157 1/7%? So can I say it is 100% plus 50% plus 7 1/7%? ऐसे लिख सकते हैं, yes, 100% plus 50% plus 7 1/7%, राइट। 100% का मतलब क्या होता है, 1, 50% का मतलब होता है 1/2, एंड 7 1/7% हमने देखा था जब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन समझ रहे थे, इट इज द वैल्यू ऑफ 1/4। तो यहां पर एलसीएम आ गया 14, तो ये हो गया 14 प्लस 2 से गया 7 टाइम्स, 14 से गया 1 टाइम, सो इट इज नथिंग बट 22/14, दैट मींस 11/7, है ना। नंबर अपने आप का 11/7 टाइम्स हो जाता है, इसका मतलब नंबर पहले 7 था और उसमें अब 11 का इंक्रीज हो गया, मतलब 18 हो गया, यानी कि जो भी नंबर था n वो 7 से 18 बन गया, बिकॉज 7 में
सॉरी इतना परसेंट इंक्रीज नहीं, इतना टाइम्स हो जाता है, मतलब 7 से 11 बन जाता है ना। 11/7 टाइम्स का मतलब है कि पहले नंबर अगर 7 था तो 7 में 7 का 11/7 टाइम्स हो गया 11, तो अब 11 हो गया नंबर। हमने नंबर में कितना ऐड किया, हमने देखा कि भाई यहाँ पर 4 ऐड हुआ है और एक्चुअल में कितना ऐड हुआ है 64, तो 4 की वैल्यू हो गई 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 16। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर वाज 7, तो 7 कितना हो गया, 7 16 इंटू 7 112, 112। तो आंसर इज ऑप्शन बी, क्लियर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 444 बाई 9% इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो इफ 930 इज एडेड इन द नंबर देन नंबर बिकम्स 444 बाई 9% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 270, ओके। तो 444 फोर बाई 9% को कन्वर्ट करने वाली बात है ना, और तो कुछ है नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो इसको, देखो 400% प्लस 44 फोर बाई 9% है ना, ऐसे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। इसका मतलब हो गया 4 और प्लस इसका कितना हो गया 4/9, बिकॉज यू नो कि 11 1/9% क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/9, 11.11%, और इसका अगर मैं 4 गुना कर दूंगा तो हो जाएगा 44 4/9%, तो इसका भी 4 गुना कर दो 4/9, राइट। सो 9 4 36 प्लस 4 40/9, 40/9 टाइम्स इटसेल्फ, मतलब पहले अगर नंबर 9 था तो 9 से अब 40 हो गया, यानी कि 930 ऐड करने पर दैट मींस यहाँ पर जो चेंज आया है वो 31 का चेंज है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 930। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इसका ये 3 गुना है तो 30। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर वाज 9 पार्ट्स, 9 इंटू 30 इज 270, राइट। तो इस टाइप के सवाल आप कर सकते हो आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखो, इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 116 2/3% इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ये आप कर लोगे इसको, है ना। तो ये वाले सवाल हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हाँ अब इस पर आते हैं। इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, बताइए। ए की इनकम बी से 20% कम है, तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ये मुझे बताना है।
ये भी देखो एक बेसिक सवाल है आपके, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए। देखो इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, मैं ए और बी का रेशियो देखता हूँ, 20% लेस देन बी, 20% का मतलब है कि 1/5, 20% मीन्स 1/5, तो अगर मैंने इसको 5 माना तो 5 से 1 कम कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 5 से 1 कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनकम ऑफ ए 20% लेस देन बी, तो बी को 5 माना तो ए क्या हो गया, 4 हो गया। सो बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, तो बी इज 5, सो ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो अब मुझे ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, देन के बाद जो भी आ रहा है उसको बेस में लेना है, वो हमारा क्या होगा, बेस होगा, उसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो अब देन के बाद ए आया है तो ए की वैल्यू को मैंने अपॉन में लिखा 1/4, सो दैट मींस बी इज 25% मोर देन ए, 25%, क्लियर है, 25%, राइट। चलो इफ राजधानी 16 2/3% स्लोअर देन शताब्दी, देन शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी बाय हाउ मच परसेंट। देखो जरा, राजधानी और शताब्दी की बात हो रही है, कैसे कनेक्ट करेंगे, इस परसेंटेज के थ्रू। ये परसेंटेज है 1/6, इस परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/6, तो राजधानी इज 1/6 स्लोअर देन शताब्दी, तो अगर मैंने इसको 6 माना तो 6 में 1 कम कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 5, है ना, 6 में 1 कम किया 5 हो गया। अब शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी बाय, तो शताब्दी राजधानी से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, और देन के बाद क्या बोला है, देन के बाद बोला राजधानी, तो राजधानी की स्पीड अपॉन में लेंगे तो 1/5, चेंज ऑफ 1/5 दैट मीन्स 20%, दैट इज 20% फास्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेस में क्या लेना है ये आपको चीजें क्लियर है। ड्यू टू इररेगुलर वर्किंग हैबिट्स ऑफ आसाराम, आसाराम की कुछ खराब आदतों की चलते हिज सैलरी वॉज रिड्यूस्ड बाय 20%, उसकी सैलरी 20% कम कर दी गई, बट आफ्टर सम मंथ हिज सैलरी वॉज इंक्रीज टू द ओरिजिनल सैलरी, फिर से उतनी ही कर दी गई, मतलब जितनी पहले थी उतनी ही बढ़ा दी गई। सो वॉट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, कितना परसेंट बढ़ानी पड़ेगी हमें बताना है, बताइए जरा। हाँ जी,
सबसे पहले उसकी सैलरी रिड्यूस की गई 20% से, मतलब पहले देखो सैलरी क्या थी, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब पहले अगर सैलरी 5 रुपए थी तो 5 से 1 कम करके कितनी हो गई, 4 हो गई, 5 में 1 कम कर दिया कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। बट आफ्टर सम मंथ से सैलरी वॉज इंक्रीज टू ओरिजिनल सैलरी, मतलब फिर से अगर मुझे इंक्रीज करनी है तो 4 में 1 बढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। अब मुझे किसमें बढ़ाना पड़ेगा, जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उसमें 1 बढ़ाकर वापस लाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो मैं चेंज करूंगा 1 का चेंज करूंगा 4 में, दैट मीन्स 25%। तो द आंसर इज 25%, तो वापस से सेम लाने के लिए 25% बढ़ाना पड़ेगा। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.2/3%, बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन डिक्रीजेस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, है ना, ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो कितने परसेंट से मुझे उसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ऑप्शन डी, देखो देखो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा होता है ना वो क्या होता है, प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आज सपोज चीनी का प्राइस है 50 रुपये प्रति किलोग्राम और आप 5 kg खरीद रहे हो, दैट मीन्स आप कितना खर्चा उस पर कर रहे हो चीनी पर, 50 × 5, दैट मीन्स 250 रुपीज, भाई 50 रुपये प्रति किलोग्राम है और 5 kg आपने खरीदा, सो प्राइस इज 50 एंड कंजम्पशन इज 5 kg, तो एक्सपेंडिचर जो आपको खर्चा हुआ वो कितना होगा, 50 × 5 यानी कि 250, राइट, 250 हो गया। तो दैट्स अ सिंपल रिलेशन। तो अब मुझे ये पता है कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब देखो जब मुझे एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, मैं कह रहा हूँ कि प्राइस में मैंने 1/6 का इंक्रीज किया है, दैट मीन्स प्राइस पहले अगर 6 रुपये था तो 6 में 1 इंक्रीज होकर कितना हो गया, 7 हो गया, 6 में 1 इंक्रीज होकर 7 हो गया, तो कंजम्पशन में कितना परसेंट मुझे कमी करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखो प्रोडक्ट को मुझे कांस्टेंट रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट इन दोनों का क्या है, एक्सपेंडिचर, जिसको मुझे सेम रखना है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर 6 7 है तो यहाँ पर 7 6 हो जाए तभी तो ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आएगा, 6 × 7 = 42 और 7 × 6 = 42, तभी तो एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट रहेगा। दैट मीन्स इफ एक्सपेंडिचर इज कॉन्स्टेंट, प्राइस एंड कंजम्पशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो ये 6 और 7 है, तो यहाँ पर कंजम्पशन क्या हो गया, 7:6। तो कंजम्पशन में हमने कितने परसेंट की कमी करी, 1 की कमी करेंगे 7 पर, 1/7 की, यानी कि 14.28% की, यस, और वी कैन से 14.27% की, राइट, 14.27%, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 16.2/3%, देन बाई हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इंक्रीजेस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। अब यहाँ पर भी मुझे एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, मतलब एक्सपेंडिचर सेम ही रखना है, तो प्राइस को मैं इतने परसेंट से बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, मतलब ये है 1/6, तो 1/6 से घटाने का मतलब है कि 6 में 1 कम हो गया, 5 हो गया, राइट, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स, 5:6, दैट मीन्स कंजम्पशन मुझे 1/5 बढ़ाना है, दैट मीन्स 20% बढ़ाना है, दैट मीन्स ऑप्शन डी, क्लियर है सभी को। तो ये आप रेशियो से बहुत आराम से कर सकते हो इस टाइप के सवालों को। अगला सवाल देखो, बेस ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16 2/3%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा, बताओ जरा।
ऑप्शन डी। चलिए देख, देखो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेस एज वेल एज हाइट, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो कॉमन चीज है उसका कोई भी यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो तो कट जाएगी ना इनिशियल और फाइनल में, हाफ तो इनिशियल एरिया में भी आएगा, फाइनल एरिया में भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय इतना परसेंट, विच इज नथिंग बट 1/3, मतलब बेस में वैल्यू पहले अगर 3 थी तो अब 3 में एक बढ़ के 4 हो गई, 3:4 हो गया रेशियो, है ना, 3:4 हो गया। और हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16 2/3%, 16 2/3% का मतलब 1/6 से रिड्यूस हो गई हाइट, 1/6 से रिड्यूस हो गई मतलब 6 में एक कम हो गया यानी कि 5 हो गया, 6 में एक कम हो गया यानी कि 5 हो गया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया एरिया जो होगा, आप जानते हो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, सो बेस एंड हाइट आर गिवन टू यू 3 and 6, एंड यहां पर भी बेस और हाइट आपको गिवन है 4 and 5। तो देखो इसलिए मैं कह रहा था कि हाफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा ना दोनों साइड से। अब मेरी बात समझ में आ रही है, एक कॉमन चीज का कोई लेना देना नहीं है, है ना, वो कैंसिल ही हो जाता है, राइट। तो सीधे सीधे हम ये करेंगे, और कॉमन पहले तो यहाँ पर लेफ्ट राइट में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि यस 3 से गया, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, नथिंग एल्स इज कॉमन। तो 9:10 का रेशियो है, दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1/9 विच इज नथिंग बट 11.11%, और 11 1/9%, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%, 12 1/2%, एंड 11 1/9%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज जाएगा ये हमें बताना है। हाँ जी, तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यही होता है एल इनटू बी इनटू एच, ठीक है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू ऑल थ्री, सो वी कैन से एल बी एच, मैंने ऐसे लिख दिया, लेंथ में इंक्रीज किया इतना परसेंट से, यानी इट इज नथिंग बट 1/6, यानी कि लेंथ अगर पहले 6 थी तो 6+1 अब क्या हो गई 7 हो गई, ब्रेथ में चेंज किया इतना परसेंट से, इट इज नथिंग बट 1/8, राइट। तो 8 से वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई, 8:9 हो गई, एंड हाइट को मैंने इतने परसेंट से इंक्रीज किया है, दैट मींस 11 1/9%, मतलब विच इज नथिंग बट 1/9, आप जानते हो इसका मतलब 1/9 होता है, मतलब 9 से क्या हो गई 10 हो गई। तो वॉल्यूम इज नथिंग बट एल इंटू बी इंटू एच, देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स,
पहले कॉमन चीजों को काट देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया 24 और ये हो गया 35। तो व्हाट इज द चेंज हियर, 11 का चेंज है 24 पर, 11 बाई 24 इंटू 100। अगर हम 4 से कैंसिल करेंगे तो इट इज 25 टाइम्स, 4 से 6 टाइम्स, तो इट इज 275 बाई 6। 6 4 द 24, 6 5 द 30, 5 बाई 6। तो द आंसर इज दिस, ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगला देखो। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, है ना, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया ही बोलते हैं, दोनों पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो इसको आप अभी छोड़ दीजिए, इसमें दो अलग अलग चीजें पूछी गई हैं पर आंसर एक ही दिया गया है। ओके, आप अगला कर कीजिए। द प्राइस ऑफ राफेल फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 16.23%, देयर आफ्टर डिक्रीज बाय दिस परसेंट, व्हाट वाज द चेंज इन टोटल प्राइस। तो पहले इंक्रीज होता है 16.23% से, यानी 16.66% से इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद 7.17% यानी 7.14% भी हम इसको बोल सकते हैं, इतने परसेंट से डिक्रीज हो जाता है। तो टोटल में कितना चेंज आएगा ये हमें बताना है। तो आप जरा देखो, 16.66% का मतलब हुआ, 16.66% का मतलब है 1/6, एंड दिस इज नथिंग बट 1/40, है ना। तो 1/6 का चेंज है मतलब 6 से 7 हो गई वैल्यू, 1/14 का डिक्रीज है, दैट मीन्स 14 से 13 हो गई, है ना, 7 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल इट इज 12 एंड इट इज 13। हम ये कह सकते हैं कि नेट चेंज इज 1/12, 1/12 का मतलब 8.33%, और 8 1/3% का इंक्रीज है, दैट मींस ऑप्शन ए, क्लियर, ए इज राइट आंसर, सही बात है, यस, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अगला सवाल देखिए। A worker earns 2800 per week if his per hour wages is increased by 20% and his working hours is decreased by 25%, what will be his new wages? A worker earns 2800 per week. तो देखो हुआ क्या कि if his per hour wages increased by 20%, 20% का मतलब है 1/5, मतलब अगर अभी उसे एक घंटे के लिए 5 रुपए मिलते थे तो 5 में 1 का इंक्रीज होने पर अब उसे एक घंटे के 6 रुपए मिल रहे हैं, और वर्किंग आवर्स डिक्रीज बाई 25%,
काम जो कर रहा था, सपोज पहले वो 4 घंटे काम कर रहा था, अब उसमें 25% कम हो गया, मतलब 4 में 1 कम हो गया, तो अब वो 3 घंटे काम कर रहा है। 1 घंटे के 5 रुपए मिल रहे थे और 4 घंटे काम कर रहा था, मतलब उसे 20 रुपए टोटल मिल रहे थे, जो उसकी वेजेस थी वो 20 रुपए थी, और अब जो है वो कितनी हो गई, 18 हो गई। तो देयर इज अ रेशियो ऑफ 10:9, दैट मींस 1 का चेंज है 10 पर, दैट मींस 10% डिक्रीज हो जाएगा। 10% डिक्रीज होने का मतलब ये है कि पहले अगर 2800 था, अगर वो पहले 2800 रुपये कमा रहा था, तो अब उसमें से 10% कम कर दो आप उसका। अब इसका 10% कम करोगे यानी 280, और इसमें 280 कम किया तो 2520 बचेगा, 2520, दैट मीन्स ऑप्शन ए। क्लियर? यस। चलिए, समझ आ गई बात सभी को? नेक्स्ट। द प्राइस ऑफ ऑयल इज डिक्रीज बाई 20%, अ हाउस वाइफ इंक्रीज एक्सपेंडिचर हर एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल बाई 36%, वॉट परसेंट इंक्रीमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन द कंजम्पशन? ध्यान से करना इस सवाल को, थोड़ा सा गलती होने के चांसेस हैं इसमें। देखो, हम ये जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है किसके, एक्सपेंडिचर के। यस, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, राइट? अब मुझे यहां पर देखो, एक्सपेंडिचर में चेंज दिया गया है, हाउसवाइफ इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर बाय 36%, दैट मींस कि एक्सपेंडिचर पहले अगर 100 रुपये था तो अब 136 रुपये हो रहा है। पहले अगर 100 रुपये एक्सपेंडिचर था तो अब कितना हो रहा है, 136 रुपये। यस, और प्राइस में डिक्रीज हुआ है 20% का, द प्राइस गॉट रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी कि प्राइस 20% कम होने का मतलब है कि वैल्यू पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो गई, 4 हो गई। और हमें क्या निकालना है, चेंज इन कंजम्पशन, है ना, चेंज इन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन को कैसे रिलेट करोगे आप? कंजम्पशन इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो यहां मल्टीप्लाई मत कर देना, हमें यहां पर कंजम्पशन निकालना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस यानी 100/5, एंड दिस इज 136/4, 34, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 20। सो दैट मीन्स रेशियो इज 10:17, और 10:17 का मतलब है कि 7 का चेंज है 10 पर, 7 का चेंज 10 पर है, मतलब 70% हो गया। यस, 70% इज राइट आंसर। क्लियर है, बताइए? यस। चलिए, मेंटल मैथ्स का आंसर एकदम करेक्ट आया, 70, वेरी गुड। तो भाई ये हमारा ब्रह्मास्त्र पैकेज है, अगर कोई बच्चा कंप्लीट बैंकिंग की मैथ्स पढ़ना चाहता है तो ब्रह्मास्त्र पैकेज में एनरोल कर सकता है, sumitsaracademy.com विजिट करके। इसमें आपको 4-4 वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं, साथ के साथ टेस्ट सीरीज का डायमंड पैकेज भी मिल जाता है, ठीक है? तो sumitsaracademy.com विजिट कर सकते हैं, sumitsaracademy ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ वीट इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 50%, वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस? तो अब भी हम सीधे सीधे करेंगे, हमें पता है प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन, बिकॉज यू नो कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन, सो प्राइस इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन, राइट? सो अब एक्सपेंडिचर हमने क्या किया, 50% से बढ़ाया। 50% बढ़ाने का मतलब पहले वैल्यू अगर 2 थी तो अब 2+1 क्या कर दी, 3 कर दी। 50% मतलब 1/2 हुआ ना, 1/2, 1/2 का मतलब पहले वैल्यू को 2 माना, फिर 2+1 3 कर दिया। दिस इज अबाउट एक्सपेंडिचर। एंड
अगर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 20%, यानी कि 1/5 का इंक्रीज करना है कंजम्पशन में. यस, 1/5 का इंक्रीज करने का मतलब है कि 5 से वैल्यू 1 बढ़ा के 6 कर दिया. एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन इज नथिंग बट प्राइस, एक्सपेंडिचर बाय कंजम्पशन. तो दिस इज 2/5 एंड दिस इज 3/6, सो इट इज नथिंग बट 1/2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियो निकालने के लिए, 4 एंड दिस इज 5. सो व्हाट इज द चेंज, 1 का चेंज है 4 पर, इट इज नथिंग बट 25%. ठीक है, 25% का इंक्रीज दिखाई दे रहा है यहां पर, ऑप्शन सी. पीडीएफ नेहा आपको मिल जाएगी, इसके बाद क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा, सुमित सर एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा. इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का. फाइंड द सॉरी प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीजेस बाय 20%. अ पर्सन इनिशियली परचेजेस 60 kg पल्स, हाउ मच kg पल्स विल ही परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट, है ना. अब सेम अमाउंट खर्चा करके वो कितना केजी पल्स खरीद सकता है बताइए. ओके, प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीजेस बाय 20% और इनिशियली उसने 60 kg पल्स. देखो प्राइस का मतलब है, प्राइस का मतलब है कि आपने 20% बढ़ाया, यानी कि 1/5, मतलब 5 से वैल्यू 6 कर दी. और हमें यह पता है कि प्राइस और जो क्वांटिटी जो आप परचेज करोगे उनमें इनवर्स रिलेशन होगा. मतलब जैसे प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे आपके बाइक में टंकी फुल करा रहे हो आप या टैंक फुल करा रहे हो, प्राइस बढ़ जाएगा. अगर आपका बजट लिमिटेड है कि आपको 1000 रुपये का ही पेट्रोल भरवाना है, तो क्या होगा कि आप उतने ही पैसे में आप कम पेट्रोल खरीद पाओगे ना, क्योंकि जब प्राइस बढ़ गया, पर लीटर प्राइस बढ़ गया, तो अब आप कम खरीद पाओगे, राइट. तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा है उसी रेशियो में क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी 6:5 हो जाती है. दे आर इन रिवर्स रेशियो. तो पहले खरीद रहा था वो 6 यूनिट यानी 60 kg और अब 5 यूनिट खरीदेगा यानी कि 50 kg. ऑप्शन सी क्लियर. चलिए नेक्स्ट. द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 36,000. एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 36,000 है. इफ इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 16 2/3% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 years हेंस, 2 साल बाद क्या होगी. तो देखो आप समझो इस चीज को, 36,000 को पहले मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा, मैं केवल ये कंसीडर कर रहा हूँ 16 2/3% यानी 1/6 का चेंज होगा. यानी पहले साल 6 से वैल्यू 1 बढ़कर 7 हो जाएगी. एंड इट इज टॉकिंग अबाउट 2 years, 2 साल में 2 बार चेंज होगा, 2 बार सक्सेसिव चेंज होगा. 2 बार सक्सेसिव चेंज होने का मतलब है कि 6:7 का रेशियो में 2 बार लिखूंगा. इट बिकम्स व्हाट, 6 square एंड दिस इज व्हाट, 7 square. यस, आप डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते थे, 3 साल की बात होती तो क्यूब कर देंगे, 4 साल की बात होगी तो पावर 4 लगा देंगे. तो इट इज व्हाट, 36 एंड दिस इज 49. तो पहले पॉपुलेशन कितनी है, 36 यूनिट, जिसकी वैल्यू 36,000 दी गई है. तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 49 यूनिट्स, 49,000. तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 हो गई ना. तो आंसर इज बी, क्लियर, ऑप्शन बी. चलिए अगला देखिए.
Pollution of the town is 126800. It increases by 15% in the first year, decreases by 20% in the second year. What is the population of the town at the end of second year? बताइए. तो ओवरऑल चेंज हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, हम रेशियो भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. सबसे पहले 15 का इंक्रीज हुआ है यानी प्लस 15, और फिर डिक्रीज हुआ है 20% का तो माइनस 20, है ना. प्लस 15 इंटू माइनस 20 बाई 100 यानी ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 सक्सेसिव चेंज लगाया मैंने. दिस इज वॉट माइनस 5, दिस इज वॉट माइनस 3, इट इज माइनस 8%. सो ओवरऑल पॉपुलेशन 8% से कम हो जाएगी. इसका 1% है 1268, तो 8% हो जाएगा 1268 का 8 गुना. वो निकाल कर इसमें से घटा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना. तो आप कर लीजिएगा इसको. नेक्स्ट, इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 4% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, व्हाट वॉज द पॉपुलेशन 3 years अगो. अब उल्टा पूछा गया है यहां पर, है ना, उल्टा पूछा गया है. तो ध्यान से इस बात को समझो आप. उल्टा पूछा जाए तो क्या करेंगे, देखो ऐसे करेंगे ना, 4% का इंक्रीज होता है हर साल, और हम ये जानते हैं कि 4% का मतलब 1/25. कैसे? 4/100, 4/100 मीन्स 1/25, मतलब एक साल में, पहले साल में इंक्रीज होगा 25, में एक बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा, 25:26, राइट. और 3 साल की जब बात आएगी, 3 इयर्स की बात हो रही है ना, तो क्यूब लगा देंगे पावर 3, बिकॉज ये रेशो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, पावर 3 हो जाएगी. और 25 का क्यूब, यू शुड नो कि 25 का जो 26 का क्यूब क्या होता है, 26 का क्यूब, अब देखो क्यूब निकालना आपको आना चाहिए, है ना, और होपफुली यही होगा 17576, तो आप निकाल के देख लेना. तो 25 का क्यूब क्या होगा, 15625, ये तो याद होगा. यानी कि आज अगर पॉपुलेशन इतनी है तो 3 साल पहले क्या थी, 15625, 25 का क्यूब, ऑप्शन बी, ठीक. चलिए आगे बढ़िए. इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज राइज टू 25,600 फ्रॉम 19,600 इन 2 ईयर्स. वॉट इज द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, पर एनम का मतलब एक साल में कितनी ग्रोथ होती है ये हमें बताना है, हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. Rise to this, from this, मतलब पहले कितना था 19600 और उससे बन गया 25600, है ना, इतने से इतना हो गया, right? तो अब अगर मैं इसको देखो, इसको लिख सकता हूँ 14 का स्क्वायर, और ये आपको दिखाई दे रहा है 16 का स्क्वायर. ऐसा 2 साल में हो रहा है, 2 साल में अगर ऐसा हो रहा है तो 1 साल में कैसा होगा, पावर 2 हट जाएगी भाई. 2 साल में पावर 2 आती है, 1 साल में पावर 2 हटा दो, 14:16. तो व्हाट इज द चेंज हियर, वी कैन से 7:8 का चेंज है एक साल में, दैट मींस देयर इज द ग्रोथ ऑफ 1/7 व्हिच इज नथिंग बट 14.28%, राइट, दैट मींस ऑप्शन ए, क्लियर. इन चीजों का मेंटली करना सीखिए. अभी तो आप लिख लिख कर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाएंगे इसके, तो आप दिमाग में इन चीजों को इस टाइप के
कैलकुलेशंस को कर लेंगे। अगला देखिए, इन एन ऑफिस 55% पीपल लाइक टी, 64% लाइक कॉफी एंड 380 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे बताइए। तो देखो, टी पसंद करने वाले कितने लोग हैं और कॉफी पसंद करने वाले कितने लोग हैं। वेन डायग्राम से सवाल होगा क्योंकि कुछ लोग कॉमन है जो दोनों चीजें पसंद करते हैं, टी एज वेल एज कॉफी, राइट। तो अगर हम कहें कि भाई टोटल लोग हैं 100x, तो टी पसंद करने वाले कितने हैं 55%, यानी 55x, यानी इस सर्कल में जितने भी लोग हैं वो टोटल है 55x, और कॉफी पसंद करने वाले हैं 64%, यानी 64x, राइट। एंड 380 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, टोटल 380 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों टी एंड कॉफी पसंद है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमें बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमको बताने हैं। तो देखो, ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन्स और पीपल इन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट right? यही होता है ना, जैसे मैंने इसको ऐड किया प्लस इसको ऐड किया, बिकॉज अब ये दो जो बीच वाला पार्ट है वो दो बार काउंट हो गया, इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, तो एक बार मैं उसको माइनस कर देता हूं। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, है ना। इनका यूनियन मतलब इन सबका सम वो कितना होगा 100x, एंड दैट इज इक्वल टू एन ए। व्हाट इज एन ए मतलब इस टोटल में कितने 55x प्लस एन बी इज व्हाट 64x माइनस ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, इट इज 380, तो ये कितना हो गया 119 माइनस दिस इज 19x बराबर 380, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 20, x की वैल्यू 20 आ गई, तो टोटल मेंबर्स है 100x, यानी 100 इंटू 20 विच इज व्हाट 2000, क्लियर, 2000 इसका आंसर हो गया। यस, नेक्स्ट, अब इसको जल्दी से कर दो, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो इसका आंसर फटाफट आना चाहिए। In an examination, 75% of the students passed in science. 75% student science में pass होते हैं, ठीक है? 75% student pass हो जाते हैं science में.
साइंस में पास होने वाले हैं 75%, यानी 75x, जबकि मैं टोटल को मान लेता हूँ 100x, है ना, टोटल को मैंने मान लिया 100x, तो साइंस में पास होने वाले हो गए 75x. 60% पास हुए हिंदी, हिंदी में पास होने वाले इसमें से कितने हो गए 60x, एंड 25% फेल्ड इन बोथ, मतलब जो ना साइंस में पास हुए ना हिंदी में पास हुए, तो वो इन दोनों सर्कल से बाहर आएंगे, और वो कितने होंगे 25%, यानी कि 25x, एंड 240 स्टूडेंट पास इन बोथ, तो 240 यहां पर पास होते हैं दोनों में. अगेन कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पर वहां पर क्या था कि यहां पर कुछ भी नहीं था, तो हमने इन तीनों का सम लिया 100x, लेकिन यहां पर इन तीनों का सम क्या आएगा, बिकॉज 100x में से 25x तो बाहर है, तो अंदर कितना है 75x, यानी बात समझ लो इन तीनों का सम कितना आएगा 75x, विच इज द यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स. तो यूनियन मतलब इन तीनों का यूनियन हो गया 75x, एंड दैट इज एन ए. वॉट इज एन ए? एन ए इज वॉट 75x इटसेल्फ प्लस एन बी. एन बी इज वॉट 60x, एंड माइनस दिस 240, माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट, कॉमन पार्ट 240, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इसको इधर ले गए, 60x बराबर हो गया 240, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, और जब x की वैल्यू 4 आ गई तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 100x, यानी 100 इंटू 4 विच इज नथिंग बट 400. क्लियर है? 400 इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. इन एन इलेक्शन, अब इलेक्शन वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं. इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, एक चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया, हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया. विनर गॉट 80% वोट्स एंड वन बाई 4200 वोट्स. सो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, है ना. इसमें क्या है, देखो विनर और लूजर के बीच का जो डिफरेंस होता है उतना जो है उसको हम बोलते हैं उतने मार्जिन से वो जीता. तो विनर और लूजर, अगर विनर को मिला 80% तो लूजर को मिलेगा रिमेनिंग 20%, तो वो कितने वोटों से जीत गया, तो दैट इज नथिंग बट इन दोनों का डिफरेंस, और वो कितना है 4200 के बराबर है, राइट. तो दैट मींस डिफरेंस इज व्हाट 60% व्हिच इज 4200, तो इससे गया ये कितनी बार 70 बार, तो 1% की वैल्यू इतनी हो गई. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100% व्हिच इज 17200, 7000. चलो आगे. नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000, इट इंक्रीजेस बाई दिस 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 परसेंट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या पॉपुलेशन होगी. तो इसमें आप सक्सेसिव का रेशियो मेथड लगाएंगे, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, और नेट रेशियो निकालेंगे. इनिशियल आपको पता है, फाइनल आप निकाल पाएंगे इसमें. ठीक है, तो ये आप अपने आप करना. अगला देखो, तो यहां पर ए सिक्योर 30% वोट्स एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 500 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड. तो अगेन इट्स अ सिंपल बेसिक क्वेश्चन. देखो बी को कितना मिलेगा 70%, ए को मिला 30%, कितने वोटों से हार गया, कहना इससे कि 40% मतों से हार गया, वोटों से हार गया 500, डिफरेंस 40% जो है वो 500 के बराबर है. तो जीरो से जीरो कट गया, 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 12.5 के बराबर हो जाएगी. यस, 1% की वैल्यू 12.5 के बराबर हो जाएगी. नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इज 100%, 100% कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुणा कर दिया, 1250. यस, ऑप्शन सी. क्लियर. चलिए अगला सवाल देखिए. अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं सवाल को, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वोट वैलिड माने जाएं, है ना, कि भाई 100 लोगों ने वोट कास्ट किया और 100 के 100 वोट काउंट हो गए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई कई बार उसमें से कुछ वोट इनवैलिड भी काउंट हो जाते हैं, है ना, पता चला कि एड्रेस प्रूफ गलत था या कुछ भी था, जिस वजह से कुछ वोट हो जाते हैं इनवैलिड. तो क्वेश्चन यही कहता है कि टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए कि भाई ये तो मान्य ही नहीं है, अमान्य है. ठीक है, एंड विनर ए कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वन बाई 8000 नंबर ऑफ वोट्स.
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने वोट्स पोल किए गए, कितने लोगों ने वोट डाला वैलिड इनवैलिड मिलाकर। तो जरा ध्यान से समझेंगे इसको, देखो इस तरीके से करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि विनर को मिला 48% ऑफ टोटल वोट्स, ऑफ टोटल वोट्स, ऑफ के आगे जो लिखा रहता है ना वो बहुत जरूरी होता है, इसको ध्यान से पढ़ा करो। तो मैंने ये माना कि भाई टोटल वोट्स मैंने सपोज कर लिए कि भाई टोटल वोट्स है 100x, है ना, तो विनर को कितना मिला टोटल का 48% यानी 48x, और टोटल वैलिड वोट्स कितने होंगे, वैलिड वोट्स हो गए, देखो हमें पता है कि 20% वोट्स तो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, तो रिमेनिंग 80% जो है वैलिड माने जाएंगे, और यही विनर और लूजर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट। तो विनर को 48x मिला है, यानी कि लूजर को कितना मिला, 80x में से 48x माइनस कर दो, तो दैट बिकम्स 32x। सो विनर और लूजर के जो वोट्स हैं इन टर्म्स ऑफ x इज 48x एंड 32x, तो इनका जो मार्जिन है, जो डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस कितना है 16x, और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 8000 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 500। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, इट इज 100x, सो 100 इनटू 500 इज नथिंग बट 50000, क्लियर, 50000 इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आ गई सभी को बात, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए, इन एन इलेक्शन अमन एंड सुमन आर टू कैंडिडेट्स, 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड सुमन सिक्योर्ड 40% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वाज डिफीटेड बाय 1600 वोट्स, हाउ मेनी इलेक्टोरेट्स, इलेक्टोरेट्स मतलब जितनी जनता, कितनी जनता ने वोट कास्ट किया, यानी कितने वोट डाले गए, ये हमें बताना है। बताओ जरा, ऑप्शन ए, मेंटल मैथ्स ने आंसर कर दिया ऑप्शन ए। देखो अमन एंड सुमन 20% तो इनवैलिड हो गए, कहना इससे कि बच्चे कितने, अगर मैंने बोला कि 100x है तो बच्चे कितने, 20% इसमें से इनवैलिड काउंट कर दिए गए, यानी 80x हो गए, राइट, 80x हो गए। एंड सुमन सिक्योर्ड 40% ऑफ वैलिड वोट्स, तो सुमन को मिले वैलिड वोट्स का 40% एंड अमन को कितने मिलेंगे, 60%। सो कैन आई से इसका 40% और इसका 60%, सो वी कैन से द डिफरेंस इज नथिंग बट 40 और 60 का डिफरेंस, इसको मिला 40% और इसको मिला 60%, सो डिफरेंस इज नथिंग बट 20%। इसका 20% कितना हो गया, 16x, भाई इसका 10% है 8, तो 20% 16 हो गया, तो दैट इज द डिफरेंस, सो वी कैन से 16x मस्ट बी इक्वल्स टू 1600, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 100। जब x की वैल्यू 100 हो गई तो हमें बताना है टोटल कितने लोगों ने वोट डाला, तो 100x यानी 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000, ऑप्शन ए, यस। अब दूसरा मेरा तरीका समझिएगा, इसको हम दिमाग में कैसे करें, या एक सिंगल स्टेप की बात करें, तो सिंगल स्टेप में कैसे कर सकते हैं बिना एक्स माने, ऐसे तो एक्स मान के करोगे तो भी क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर बिना एक्स माने कैसे करें, तो दूसरा भी तरीका है। देखो ऐसे मैं ये कहता हूं कि वैलिड वोट्स में से 60% इसको मिले, तो 40 इसको मिले, तो दूसरे को कितना मिले, 60%, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20% है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो वैलिड वोट का 20% है। तो 20% अगर ये है तो 1% कितना होगा, यानी से कि 1% होगा 1600 अपॉन 20 वैलिड वोट्स का 1%, है ना, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस विच इज 20% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स का 1% इतना हो गया, वैलिड वोट्स का 1% इतना हो गया, तो वैलिड वोट्स कितने हो गए, इसका 100%,
भाई 1% इतना तो 100% इतना तो मुझे पता है कि ये वैलिड वोट्स हैं, ये वैलिड वोट्स हैं जो कि टोटल का 80% है। यस, बिकॉज 20% तो इनवैलिड थे, तो ये टोटल का 80% है ना, तो टोटल का 80% ये है, मतलब 1% कितना होगा डिवाइड बाई 80, भाई 80% ऑफ द टोटल इज इक्विवेलेंट टू दिस, सो 1% इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग डिवाइड बाई 80, सो 100% विल बी इक्विवेलेंट टू इनटू 100 कर दिया, राइट 100% किसके बराबर होगा, इनटू 100 कर दो, तो भाई 20 से इसको काट दो, या 8 इनटू 80 इनटू 20 1600 कट गया, 100 इनटू 100 10000 मेरा आंसर आ गया। यस, एक सिंगल स्टेप में मैं इस तरीके से भी कर सकता था इस सवाल। चलिए नेक्स्ट, टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, विनर कैंडिडेट्स गॉट 40% ऑफ टोटल नंबर टोटल वोट्स एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट एंड गॉट इलेक्टेड बाय 2400 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट, बताइए। Again, you can do it by a simple method. How can you solve this? See, मैं ये मान लेता हूँ कि total number of voters हैं T. Total number of voters हैं T. T मान लो। अब उसमें से 20% ने तो वोट कास्ट ही नहीं किया, तो कास्ट कितनों ने किया? 80% ने। 80% का मतलब 4/5। तो टोटल में से 20% ने वोट ही नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला? 80% ने। 4/5 ने, तो इतने लोगों ने वोट डाला है और उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने? 90%। तो अब ये हो गए मेरे पास वैलिड वोट्स, अब ये है मेरे पास वैलिड वोट्स, और इसमें से द विनर कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स एनरोल्ड, विनर को इतना मिला, ठीक है, विनर को इतना मिला, तो विनर को कितना मिला? 40% ऑफ टोटल, यानी कि 4/5 ऑफ, वी कैन से 2/5 ऑफ टोटल, ये विनर को मिला, है ना? तो लूजर को कितना मिलेगा इसमें? तो इनफैक्ट मतलब अब ये देखो 40% ऑफ टोटल दिया है ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, अब इसको ऐसे कर देंगे 100x वाले तरीके से, है ना? 100x टोटल मैंने मान लिया, इसमें से 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो 80x ने वोट डाला, और इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो अगर मैं 10% इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 8 माइनस कर दूंगा, 72x बचेगा, राइट? अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा विनर और लूजर के बीच में, जिसमें के विनर को मिला है 40% ऑफ टोटल वोट्स, तो टोटल था 100x, तो उसका 40% हो गया 40x, तो लूजर को कितना मिलेगा? रिमेनिंग 72 माइनस 40 यानी कि 32x, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज व्हाट? 8x, दोनों के बीच का जो मार्जिन है, जो डिफरेंस है, वो 8x है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2400। यस, तो 8x की वैल्यू इतनी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 300। x की वैल्यू 300 हो गई, तो टोटल वोट्स कितने हो गए? 100 इंटू 300, दैट मीन्स 30,000। क्लियर? 30,000 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स and 2000 votes were declared invalid, winner got, तो बताओ जरा, try करो इसको।
डन। चलिए, टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो 100x में से कितने बचे? 80x बचे, एंड 2000 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो हम कह सकते हैं कि वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, इसमें से 2000 इनवैलिड वोट्स आप माइनस कर दो, तो 80x माइनस 2000 ये वैलिड हो जाएंगे, राइट। विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स, तो 60% ऑफ वैलिड वोट्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखो विनर को 60% मिला तो लूजर को 40% मिलेगा, 60-40 का डिफरेंस 20% किसका? वैलिड वोट्स का। तो इसका 20% अगर मैंने निकाला तो इसका 20% हो गया 16x और इसका 20% हो गया 400, एंड दैट इज द मार्जिन बाय विच द विनर डिफीटेड लूजर, एंड दैट मार्जिन इज इक्वल टू 1200। तो 16x की वैल्यू हो गई 1600, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ओके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, तो टोटल 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10,000, ऑप्शन डी, क्लियर। थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, भगवान भला करे आपका, काफी अच्छा लिखा है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 8400 इफ द मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाई 9% एंड 5%, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 8936 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एट प्रेजेंट। मेल्स और फीमेल्स के बीच का जो डिफरेंस है एट प्रेजेंट वो क्या है ये हमें बताना है, बताओ जरा। आकांक्षा, देखो पिछले क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास था नहीं, ऐसे ही तो करते आ रहे हैं। 100x देखो टोटल है, टोटल में से 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे? मतलब 20% ने वोट नहीं डाला तो बचा कितने लोगों ने वोट डाला इतना। अब जिन्होंने वोट डाला उसमें से 2000 वोट इनवैलिड निकल गए तो वैलिड कितने बचे? 80x माइनस 2000। अब विनर को इसमें से 60% मिले हैं तो लूजर को इसमें से 40% मिलेंगे, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो मार्जिन है विक्ट्री का, वो कितना रहा? 60-40 यानी 20% ऑफ दिस नंबर। व्हाट इज 20% ऑफ दिस नंबर? तो इसका 20% 16 आया, इसका 20% 400, एंड दिस इज द मार्जिन ऑफ विक्ट्री विच इज 1200। तो इस तरीके से हमने इसको रखा। पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 8400 इफ द मेल्स एंड फीमेल्स increased by 9% 5%, then the population will become 8936 after 1 year। देखो हमें ये पता है कि मेल और फीमेल में जो चेंज आएगा वो टोटल के बराबर होगा, राइट। टोटल जो चेंज आएगा मतलब मेल और फीमेल को मिलाकर टोटल बनता है। देखो मेल में 9% का चेंज आया, फीमेल में 5% का। कैन आई से कि इट इज 9% दिस इज 5%, ओवरऑल में कितने का चेंज आया है? ओवरऑल में कितने का चेंज आएगा?
देखो मतलब ये हम कह सकते हैं कि ओवरऑल में जो चेंज आएगा वो 8400 to 8936 है ना, इतने का चेंज आएगा। मतलब कितने का है ये टोटल? 536 का चेंज आएगा ना टोटल में। टोटल में जो चेंज आएगा वो 536 का चेंज आएगा। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ चेंज इन मेल चेंज इन फीमेल बराबर चेंज इन टोटल है ना, दैट इज अ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। 9% इसमें चेंज आएगा, इसमें 5% तो ओवरऑल में चेंज आया 536 का। अच्छा अगर दोनों में, अभी इसमें स्मॉल वैल्यू पकड़ लो, स्मॉलर वैल्यू इज 5, अगर इसमें भी 5% का चेंज होता और इसमें भी 5% का चेंज होता तो ओवरऑल में भी 5% का चेंज आता, क्योंकि अगर दोनों में बराबर है, बिकॉज द ओवरऑल चेंज लाइज बिटवीन दीज टू। और अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये भी इसके बराबर हो जाता है, दैट इज द बेसिक थिंग। 5% चेंज इसमें आएगा, 5% चेंज इसमें आएगा, तो इसमें भी 5% का चेंज आएगा। किसका 5%? टोटल का। तो टोटल का 5% है कितना? इसका 10% है 840, 5% होगा कितना? 420। तो कैन आई से कि मेल में 4% की कमी करी, बिकॉज ये तो इक्वल रहा, फीमेल का चेंज तो मैंने यहां भी 5% लिया, यहां भी 5%, तो मेल का जो 4% है वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 116 है ना। तो मेल का जो 4% है वो 116 के बराबर है, तो मेल कितने हो जाएंगे? यानी 4% ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 116। तो मेल कितना हो गया? 3900। मेल हो गया 3900। अच्छा मेल अगर 3900 है तो फीमेल कितना होगा? बिकॉज टोटल इज 8400, तो 8400 माइनस 3900 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो दिस विल बिकम 4500, 4500 है ना। और सो द क्वेश्चन इज आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ओके, सो ओके, इट इज आस्किंग एट प्रेजेंट डिफरेंस क्या है, एट प्रेजेंट पूछा है ना। वैसे तो डिफरेंस कितना है? 600, लेकिन अभी पूछ रहा है डिफरेंस क्या है। अभी अगर इसने पूछा है क्या डिफरेंस है करंटली, तो करंटली फिर आपको निकालना पड़ेगा। देखो मेल हमने निकाले, मेल में हमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज इनिशियल नंबर ऑफ मेल्स, इनिशियल मेल आए हैं ये, और मेल में जो चेंज हुआ है वो कितने का चेंज हुआ है? 9% का इंक्रीज हुआ है, तो इसमें 9% ऐड कर दो, तो करंटली मेल पॉपुलेशन जो हो जाएगी उसमें 9% इसका कितना हो जाएगा? 9 × 9 = 81, 27 × 8 = 35, 351 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4251। करंटली मेल्स इतने हो गए, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? बिकॉज वी नो करंट टोटल इज 8936, सो 8936 माइनस मेल विच इज 4251, इसमें से इसको माइनस किया तो दिस इज व्हाट 5, 13 माइनस 5 इज व्हाट 8, 8 माइनस 2 इज 6 एंड दिस इज 4, 4685। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बताना है, तो डिफरेंस तो अगेन फिर भी इतना इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा है ना, ये जो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं वो डिफरेंस तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो डिफरेंस करीब 400-300 के आसपास आएगा, तो नन ऑफ दीज ही होगा इसका आंसर, है ना। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए सभी लोग, सही है ना, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ सकता जो ऑप्शन में दिया गया ए बी सी डी में। तो द आंसर इज नन ऑफ दीज। इन दोनों का जो डिफरेंस है इट इज 434। ठीक है, चलिए एक गलती हो गई है यहां पर, 4 से इसको जब काटेंगे तो 29 टाइम्स कटेगा, 29, सो इट इज 2900, 2900 होगा। 2900 का 9% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 261, 261 जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3161। और टोटल में से जब 3161 को माइनस करेंगे, 3161 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज 5,
एंड 7, 8 माइनस 1 इज 7 एंड दिस इज 5. एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस नाउ, द डिफरेंस 5 माइनस 1 यानी कि 4, दिस इज 1, दिस इज 6, दिस इज 2, 2614 हमारा आंसर होगा. इज नॉट देयर नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज हो जाएगा. अच्छा सॉरी, करंट में ही बताना है यार, फ्यूचर में नहीं बताना. क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ना ढंग से भूल गया, करंट में ही बताना है. एक्चुअली क्या है कि ये तो इफ इफ अगर ऐसा हो तो वो इंक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी टोटल, लेकिन प्रेजेंट में तो इतनी नहीं है ना. प्रेजेंट में तो वही सिचुएशन लेनी है हमको, यही वाली है ना. तो प्रेजेंट में अगर निकालना है तो बहुत आसान हो गया. तो फीमेल हो गया 8400 माइनस मेल्स, यानी कि जो हम कर रहे थे दैट वॉज करेक्ट. 0 0, दिस इज 5, दिस इज 5, 55 माइनस 2900 इज 2600. इन दोनों का डिफरेंस है 2600. तो 2600 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट. अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ वीट एनेबल्स हरेंद्र टू बाय 5 kg मोर वीट फॉर 320. व्हाट इज द ओरिजिनल रेट ऑफ वीट? ओरिजिनली वीट का प्राइस क्या था बताना है. देखो 20% की कमी आई वीट के प्राइस में. कितने की कमी आई? 20% की, विच इज नथिंग बट 1/5. यानी कि प्राइस 5 से एक कम होकर हो गया 4. तो मैंने वही बताया था पहले भी आपको कि जितना प्राइस कम होगा तो आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. प्राइस बढ़ेगा तो बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज द बजट इज लिमिटेड. हम कह सकते हैं कि जो आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो उसी रेशियो में कम हो जाती है. रिवर्स रेशियो होता है प्राइस और क्वांटिटी का, इफ द एक्सपेंडिचर इज सेम. सो वी कैन से कि अब पहले वो 320 में, मतलब वो खर्चा कितना कर रहा है दोनों केसेस में? 320 रुपये. तो कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है? 1 यूनिट एक्स्ट्रा. दिस इज व्हाट, 5 kg. 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg है ना. तो ओरिजिनली कितनी क्वांटिटी वो खरीद पा रहा था? पहले कितना खरीद रहा था? 4 यूनिट. तो 4 × 5 मतलब 20 kg खरीद रहा था. 20 kg अगर वो खरीद रहा था तो ओरिजिनल रेट कितना था और खर्चा कितना कर रहा था? 320 रुपये. 320 रुपये में 20 kg अगर वो खरीदता है, दैट मीन्स पर kg जो प्राइस है वो कितना है? 16 रुपीज. यस, 16 रुपीज पर kg इज द प्राइस. राइट, क्लियर. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय, सॉरी इट शुड बी इज इंक्रीज्ड बाय 20% ड्यू टू दिस, अ फैमिली यूजेस 20 kg लेस शुगर सो एज द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस 5% ओनली. ओके, सो फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था. तो व्हाट यू विल डू हियर इज, आपको प्राइस में चेंज पता है 20% और आपको एक्सपेंडिचर में चेंज पता है. कहना इससे कि एक्सपेंडिचर अगर 100 रुपये था पहले तो अब 5% बढ़ा है, 105 रुपये हो गया. और प्राइस में इंक्रीज हो रहा है 20% से, यानी कि वैल्यू 5 मान के 6 कर दो, 5 में 1 बढ़ा दो 6 हो गया. और हमें पता है कंजम्पशन इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, बिकॉज एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू कंजम्पशन. तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 100/5 एंड दिस इज 105/6. ठीक, 3 से 2 बार काट दिया, 3 से कैंसिल कर दिया हमने, 35 times. ओके, 5 से कैंसिल हुआ 20 बार, तो 20 × 2 हो गया 40 और हो गया 35, 35. 5 से कैंसिल करेंगे 8 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 7 बार. 8:7 का रेशियो बनेगा कंजम्पशन का.
कंजम्पशन उसने कितना कम किया है, हम कह सकते हैं 20 केजी लेस शुगर नाउ द फैमिली इज यूजिंग, सो वन यूनिट जो कम हुआ है वो 20 केजी के इक्विवेलेंट है, वन यूनिट की जो कमी आई है वो 20 केजी के इक्विवेलेंट है। तो ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था, ओरिजिनल कंजम्पशन था 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स कितना हो गया, 8 इंटू 20 यानी कि 160 केजी, 160 केजी, 160 केजी, ऑप्शन सी, क्लियर है, यस। चलिए अगला सवाल देखिए, अ रिडक्शन ऑफ 1 rupees पर केजी एनेबल्स अ मैन टू परचेज 3 kg मोर शुगर फॉर 36, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या था, हाँ जी, रोशनी अभी तुमने देखे थे ना सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में थे, कुछ क्वेश्चन बीच में केवल इंग्लिश में है, 2-3 क्वेश्चन और हैं फिर दोनों में आ जाएंगे। 1 rupees पर केजी हमने कम किया प्राइस, तो 3 kg उसने एक्स्ट्रा परचेज कर सकता है, खर्चा कर रहा है वो 36 rupees। अब ये सवाल आपके लिए हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ओरिजिनल प्राइस में मान लेता हूं P, और अब जो प्राइस है वो कितना हो गया, 1 rupees पर केजी मोर, यानी P प्लस 1 rupees हो गया है ना। पहले अगर प्राइस था P और अब हो गया P प्लस 1, मतलब पहले भी वो 36 rupees खर्च कर रहा था, तो 36 rupees में क्वांटिटी कितनी खर्च परचेज करेगा, वी नो क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन पर यूनिट प्राइस है ना। टोटल खर्चे को अगर पर केजी प्राइस से हम डिवाइड करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, तो प्राइस वॉज पी हेयर एंड हेयर 36 अपॉन पी प्लस 1, और दोनों में जो डिक्रीज हुआ है, द मैन इज एबल टू परचेज 3 kg मोर शुगर, सॉरी देयर इज अ रिडक्शन इन द प्राइस, पी माइनस 1 हो जाएगा ये, पी माइनस 1, तो पी माइनस 1, सो रिड्यूस होने के बाद नाउ ही इज एबल टू परचेज 3 kg मोर, तो 3 kg मोर का मतलब है कि अब 36 अपॉन पी माइनस 1 इतनी क्वांटिटी खरीद रहा है, और पहले कितनी खरीद पा रहा था, 36 अपॉन प्राइस वॉज पी, तो नाउ द क्वांटिटी इज एबल टू परचेज 3 kg मोर देन द प्रीवियस वन, तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, यानी पी की वैल्यू मुझे निकालनी है। नाउ द सिंपल आइडिया इज गो बाई ऑप्शंस, पहले 3 से काट दो एक बार, 3 से गया 12 बार, 3 से काट दिया 12 बार, अगर मैं ऑप्शन रखता हूँ लेट सपोज 6 तो नहीं रखूंगा, बिकॉज 6 माइनस 1 5 से कटेगा नहीं, 1 तो नहीं आएगा, 5 रख के देखूंगा तो 5 से ये नहीं कटेगा, 4 रखूंगा 4 से कट जाएगा, यस 4 रख देता हूँ, अगर मैं पी की वैल्यू 4 रखूंगा तो 12/3 हो जाएगा ये 4, और 12/4 हो जाएगा 3, 4 - 3 यानी कि 1, बिल्कुल सही है, तो द आंसर इज 4 है ना। इसके बाद हम ऑप्शन से कर लेंगे आराम से, चलिए क्लियर है सभी को, यस ऑल राइट। चलो अगला सवाल देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 26% बाय हाउ मच केजी, द कंजम्पशन इज डिक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12% ओनली व्हेन ओरिजिनली कंजम्पशन वाज, थोड़ा लैंग्वेज इसमें इधर उधर हो गई है बट ओके समझ आ रहा है हमको, एक्सपेंडिचर हमें इंक्रीज करना है 12% से, यानी 100 से कितना हो गया 112 राइट, एंड प्राइस इज इंक्रीज बाई 26% यानी 100 to 126 ऐसे लिख देता हूँ,
वॉट अबाउट कंजम्पशन? कंजम्पशन इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस. एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस मतलब 100 बाई 100 एंड हेयर इट इज 112 बाई 126. ठीक है, ये कैंसिल हो गया. 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 126 इज टू 112. हम ये कह सकते हैं 2 से गया 63 टाइम्स, 2 से गया 56 टाइम्स. इनफैक्ट 7 से काट देते हैं, 9 टाइम्स 7 8 टाइम्स 9 इज टू 8 का रेशो आ गया. तो हमसे हमें इनिशियल कंजम्पशन दिया गया 135. तो 9 यूनिट की वैल्यू 135 है. 9 यूनिट की वैल्यू 135, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसका कितना टाइम्स है? 15 टाइम्स है. तो एक यूनिट की ही तो इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब कंजम्पशन में रिडक्शन आया है वो 1 यूनिट है. तो जब 9 की वैल्यू 135 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई ना. 15 केजी, ऑप्शन डी. क्लियर है? 15 केजी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो. अ रिडक्शन ऑफ 250 पैसे पर डोजन इज इन द प्राइस ऑफ एक्स. अ पर्सन बाइज 1 डोजन मोर एक्स फॉर रुपीज 30. तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर डोजन. एक दर्जन एक्स का ओरिजिनल प्राइस क्या था ये हमें बताना है. बताइए. मेंटल मैथ्स का आंसर आ रहा है यहाँ पर ए. देखो रिडक्शन ऑफ 250 पैसे पर डोजन, यानी एक दर्जन के प्राइस में 250 पैसे का चेंज आया, मतलब 2.5 रुपीस भी कह सकता हूँ मैं इसको. मतलब एक दर्जन एक्स का जो प्राइस था वो 2.5 रुपए कम हो गया है ना. तो हम ये कह सकते हैं कि एक दर्जन एक्स का प्राइस पहले अगर पी था तो अब कितना हो गया? पी माइनस 2.5. पहले अगर पी रुपीस था अब क्या हो गया? पी माइनस 2.5. खर्चा कितना कर रहा था वो? 30 रुपए है ना. 30 रुपए में कितने खरीदेगा? 30. टोटल खर्चा अपॉन प्राइस यहाँ पर अब भी 30 रुपए खर्च कर रहा है. 30 अपॉन पी माइनस 2.5. नाउ इज एबल, बिकॉज सस्ते हो गए तो वो ज्यादा खरीद पाएगा. कितना ज्यादा खरीद पा रहा है? 1 dozen एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है. मतलब 30 अपॉन पी माइनस 2.5 दैट इज द क्वांटिटी ही इज परचेजिंग नाउ एंड वॉट द प्रीवियस क्वांटिटी वॉज 30 अपॉन पी एंड डिफरेंस इज 1 dozen. ओरिजिनल प्राइस में बताना है, यानी पी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर. तो लेट्स गो बाय ऑप्शंस. पहला ऑप्शन मैंने 6 रखा, तो 6 माइनस 2.5 इज 3.5. 3.5 तो डेफिनेटली नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन तो मैं रूल आउट कर देता हूँ. 5 रखते हैं. 5 अगर रखेंगे तो 5 माइनस 2.5 इज 2.5. तो 30 अपॉन 2.5 हो जाएगा एंड 30 अपॉन 5 हो जाएगा. अच्छा, 2.5 का डबल होता है 5. 5 से 6 टाइम्स कटता है, तो 2.5 से 12 टाइम्स कटेगा एंड दिस इज 6. सो अगेन दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज द डिफरेंस शुड बी 1. सो दिस ऑप्शन इज रूल्ड आउट. 10 रख लेते हैं. अगर हम 10 रखेंगे तो 30 अपॉन 7.5 होगा माइनस 30 अपॉन 10 हो जाएगा. 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 30, यानी कि इससे 4 बार कटेगा और ये इससे 3 बार कटेगा. और 4 माइनस 3 आराम से 1 बन जाएगा. That means 10 rupees is correct answer. ठीक है, option C is right. Coming to next question. The price of sugar decreases by 30%. Due to this, a family purchases 32 kg more sugar so that the expenditure will decrease by 16% only. ठीक है, एक्सपेंडिचर केवल 16% से डिक्रीज होगा. फाइंड द इनिशियल कंजम्पशन. इनिशियली कंजम्पशन क्या था ये हमें बताना है. प्रणय, प्रीवियस क्वेश्चन वैसे ही तो किया है ना, जैसे हमने एक क्वेश्चन और किया था.
भाई पहले एक दर्जन का प्राइस जो भी था, अब वो उसमें 250 पैसे की कमी आ चुकी है, मतलब 2.5 रुपीज की। तो पहले एक दर्जन का प्राइस था पी, अब है पी माइनस 2.5। पहले भी 30 रुपये खर्चा कर रहा था, अभी भी वो 30 रुपये खर्चा कर रहा है, तो 30 रुपीज में कितने एग खरीद पाएगा, कितने दर्जन एग खरीद पाएगा? 30/P, यहाँ पर 30/P-2.5, डेफिनेटली प्राइस कम हुआ है तो अब ज्यादा एग खरीद पाएगा। मतलब दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू 1000, दैट इज द डिफरेंस। उसके बाद मैंने पी की वैल्यू ऑप्शन से चेक करके निकाल ली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय 30% ड्यू टू दिस द फैमिली परचेजेस 32 kg मोर शुगर सो दैट द एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 16% ओनली। तो एक्सपेंडिचर 16% कम हुआ, मतलब 100 से कितना हो गया, 84 हो गया, 16 कम कर दो 100 में, 84 आएगा। एंड प्राइस जो है 30% इंक्रीज हो गया, मतलब 10 से 10+3 13 हो गया, 100:130 मतलब 10:13, सॉरी डिक्रीज, सो 10 में 3 का डिक्रीज यानी 7। तो कंजम्पशन क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, सो इन दोनों का डिफरेंट मतलब रेशियो लिया तो 10 आ गया, और ये 84/7 यानी कि 12 आ गया, 10:12। ड्यू टू दिस फैमिली परचेजेस 32 kg मोर शुगर, तो यानी कि जो 2 यूनिट की वैल्यू है वो 32 kg के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 के बराबर हो जाएगी, और इनिशियल कंजम्पशन था 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स कितना हो गया, 160। तो 160 इज करेक्ट आंसर, दैट मीन्स नन ऑफ दीज, यस नन ऑफ दीज आएगा ना। चलिए ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। तो अगेन वोटिंग वाले सवाल पर हम आते हैं, आप इतना इतने सारे सवाल वोटिंग पर बेस्ड कर चुके हो, उसमें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, तो इस सवाल को देखो जरा। देर आर टू कैंडिडेट्स इन वन इलेक्शन, 75% ऑफ द वोटर्स एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, मतलब इसका मतलब ये होता है कि 75% लोगों ने वोट डाला, 2% वोट्स पर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, वन कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच इज 75% ऑफ वैलिड वोट्स, ओके। तो हाउ मेनी वोटर्स वर देयर इन द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स थे हमें बताना है। हाँ जी, तो देर आर टू कैंडिडेट्स इन वन इलेक्शन, दो कैंडिडेट्स हैं एक इलेक्शन में। अब मैं ये मान लेता हूं कि भाई जो टोटल है वो टी है, टोटल जो वोटर्स हैं वो टी हैं जो वोटर लिस्ट में थे, 75% लोगों ने वोट डाला है, 75% मतलब इसका 3/4, इसका 3/4 लोगों ने वोट डाला है, इसमें से 2% इनवैलिड हो गए, तो मतलब वैलिड कितने बचे, 98%। सीधे एक लाइन में करते चलो, ठीक है, वैलिड कितने बचे, 98%, जो जिन लोगों ने वोट डाला उसका 98%, ठीक है, ये वैलिड वोट्स हो गए। एंड 1% को इतना मिला जो कि वैलिड वोट्स का 75% है, तो वैलिड वोट्स इतने हैं और इसका 75% मतलब इसका 3/4, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 9261, ये 9261 के बराबर है, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो कैंसिल कर देता हूँ, 7 से 14 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल किया, 7 × 7 3 times, 2 times, 3 times, ठीक है। अब 3 से काट सकते हैं इसको, यस 3 × 3 9 से, नहीं हाँ 9 से भी काट सकते हैं, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 × 1 9, 9 × 4 36, 9 × 7, ठीक है। फिर 7 से कैंसिल कर दो, 2 बार, 7 से कैंसिल कर दिया 21 बार, 2 से कैंसिल कर दिया 2 बार, टोटल टी इज इक्वल टू, दिस इज 4 × 8, 8 × 21 इज वॉट, 168 एंड फॉलोड बाई 20, 16,800 टोटल आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला सवाल देखो। A
इन द इलेक्शंस हेल्ड बिटवीन टू कैंडिडेट्स द फर्स्ट कैंडिडेट गेट्स 80% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इफ 10% ऑफ टोटल 180,000 वोट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड ठीक है हाउ मेनी वैलिड वोट्स विल बी कास्ट इन फेवर ऑफ अदर कैंडिडेट बताइए दूसरा जो कैंडिडेट है उसके फेवर में कितने वैलिड वोट्स कास्ट किए जाएंगे हाँ जी ओके सो 10% ऑफ टोटल इज इनवैलिड सो वैलिड कितना हो गया इसका 90% सो 90% इसका कितना हो गया इसका 10% इज हाउ मच 18,000 सो 90% इज दिस सो दिस इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ये वैलिड वोट्स हो गए ओके पहले कैंडिडेट को इस वैलिड वोट का 80% मिला है तो सेकंड कैंडिडेट को कितना मिलेगा 20% यस 20% यानी 1/5 बस यही तो करना है तो 5 से 9 से मल्टीप्लाई कर दो 18 9 162 162000 डिवाइडेड बाय 5 ठीक है सो 3 times 24 32400 32400 आएगा आई थिंक ऑप्शन सी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें There were a total of 3 candidates in an election. 10% of total votes were not cast and 10,000 votes were found invalid. The candidate who won 52% of the remaining valid votes and 12% of the votes was received by the candidate who was in the third place. यहाँ पर तीन कैंडिडेट की बात हो रही है सेकेंड प्लेस कैंडिडेट गॉट अ टोटल ऑफ 28,800 वोट्स व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताइए हाँ जी देयर आर अ टोटल ऑफ 3 कैंडिडेट्स लेट्स सपोज द कैंडिडेट्स आर ए बी एंड सी ठीक है 10% ऑफ वोट्स वर नॉट कास्ट 10% वोट तो कास्ट ही नहीं किए गए 10,000 वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड 10,000 इनवैलिड हो गए अब मैं केवल वैलिड की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल है ना द कैंडिडेट हु वॉन 52% ऑफ रिमेनिंग वैलिड वोट्स तो जो कैंडिडेट जीता उसको वैलिड वोट्स का कितना मिला 52% मतलब सपोज ए जीता ए गॉट मोर देन बी बी गॉट मोर देन सी तो ए को वैलिड वोट्स का 52% मिला ठीक है ए को वैलिड वोट्स का 52% मिला ठीक है ओके एंड 12% ऑफ द वोट्स वर रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट हु स्टूड एट द थर्ड प्लेस तो थर्ड प्लेस पर सी है उसको 12% मिलता है बी को कितना मिलेगा 52 + 12 = 64 100 - 64 = 36% तो इट इज 36% ठीक है इफ सेकंड प्लेस कैंडिडेट गॉट अ टोटल ऑफ दिस तो सेकंड प्लेस को 36% इसके बराबर है और ये 36% किसका है भाई वैलिड वोट्स का 36% किसके बराबर है 28800 के बराबर है वी कैन से इट इज 18 टू टाइम्स 18 से गया 1 time 18 6 ओके तो 2 से गया 800 तो जो वैलिड वोट्स हो गए वो कितने हो गए
800 इंटू 100 यानी कि 80,000 वैलिड वोट्स हो गए, 80,000 वैलिड वोट्स 80,000 हो गए। अब इनवैलिड और वैलिड को जोड़ेंगे तो टोटल वोट्स जो कास्ट किए गए वो हमें मिलेंगे, है ना। तो टोटल वोट्स जो कास्ट किए गए उनमें से कुछ वोट वैलिड थे और कुछ इनवैलिड थे। भाई वैलिड कितने थे? 80,000 और इनवैलिड कितने थे? इनवैलिड हमें दिए गए 10,000 यानी कि वैलिड प्लस इनवैलिड को अगर हम मिला देंगे तो इट बिकम्स 90,000। तो ये है टोटल वोट्स कास्टेड, है ना, इन फेवर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। एंड अब मुझे ये भी नहीं निकालना कि टोटल वोट्स कास्ट कितने हुए, मुझे बताना कि टोटल वोट्स थे कितने इनिशियली। अच्छा ये जो जो कास्ट हुआ है वो टोटल का 90% है, बिकॉज 10% लोगों ने तो वोट कास्ट ही नहीं किए, केवल 90% लोगों ने वोट कास्ट किए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 90% ऑफ टोटल इज इक्वल टू दिस 90,000। बड़ी क्लियर सी बात है। टोटल कितना हो जाएगा? 1,000 × 100 यानी 1,00,000। टोटल 1,00,000 होना चाहिए, टोटल मस्ट बी 1,00,000, दैट मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। थ्री कैंडिडेट्स वर इन द फ्रे फॉर एन इलेक्शन। तीन कैंडिडेट्स के बीच में लड़ाई थी, है ना, एक इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे थे। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वोट्स व्हाइल द थर्ड प्लेस कैंडिडेट गॉट 5%। इफ द इलेक्शन डिफीट, द डिसीजन ऑफ विन वॉज मेड बाय 9,000 वोट्स। ओके, तो जो बंदा जीता वो अपने से जो जो क्लोजेस्ट उसका कॉम्पिटिटर है उससे 9,000 वोटों से जीत गया। तो वॉट वॉज द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन इफ द टोटल वोट्स कास्ट वर वैलिड। सारे के सारे वोट्स वैलिड हैं तो यहाँ पर इनवैलिड तो कोई है ही नहीं, है ना। तो ओके, देखो विनिंग कैंडिडेट को मिला 55%, विनिंग कैंडिडेट को 55%। लेट सपोज ए बी सी, अगेन मैं इसी तरीके से लेकर चलता हूँ, ए इज द विनर देन बी देन सी, देन 5% थर्ड कैंडिडेट को मिला है। तो 55 + 5 कितना हो गया? 60%। तो 60 घटा देंगे 100 में से, तो बी इज व्हाट? 40%। बी को कितना मिला है? 40%। यस, बी को कितना मिला है? 40%। ठीक है, सो इफ द इलेक्शन डिफीट द ओके, तो जो विनर है वो इससे कितने वोटों से जीता है? हम ये कह सकते हैं कि ये जो इससे जीता है वो 15% वोटों से जीता है, 15%, और दैट 15% इज इक्वल टू व्हाट? 9,000, 9,000 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 के बराबर हो जाएगी टोटल वोट। अब मुझे बताना है नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, तो दैट इज व्हाट? 100%, बिकॉज सारे के सारे वैलिड है। 100% ऑफ दिस नंबर इज 60,000, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ओके। कंपनी गिव्स, अब देखो कमीशन वाले क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं तो मैं एक बार उनको भी कवर कर लेते हैं, है ना। कमीशन वाले जो सवाल हैं उनको भी कवर कर लेते हैं यहाँ पर। एक बार देखो, अ कंपनी गिव्स 7% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू द सेल्स ऑफ 10,000। तो सेल्समैन को 10,000 की सेल तक तो 7% फ्लैट कमीशन मिलता है कि भाई 10,000 की सेल, अब 10,000 की हो, 8,000 की हो, 9,000 की हो, कितने की भी हो, 10,000 से नीचे, उसे 7% फ्लैट मिल जाएगा, फ्लैट 7% एंड 5% ऑन द सेल अबव 10,000। 10,000 से ऊपर जो सेल हुई है उस पर 5% कमीशन मिलता है। सेल्समैन डिपॉजिटेड रुपीज 47,300 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद उसने कंपनी में इतना अमाउंट डिपॉजिट किया, तो उसकी जो टोटल सेल थी वो क्या थी वो हमें बताना है। बताइए जरा, सुरेंद्र बिल्कुल, सिड बी ग्रेड ए एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल परसेंटेज की बात चल रही है तो थोड़ा सा फोकस रह के बात करते हैं।
है ना, सिडवी वाला जो है उसका मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर उसमें क्या क्या टिप्स उसके लिए अगर हो सकती है। टिप्स तो भाई वैसे तो एक ही है, आपने मेहनत की है ना, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनाई है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है एग्जाम में, तो आप एग्जाम निकाल लोगे चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, है ना। टिप्स सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन ही होती हैं, नया क्या है उसमें। और कुछ अगर एक दो पॉइंट नए होते हैं कि जो ये एग्जाम अदर एग्जाम से अगर कुछ डिफरेंट है, कुछ ऐसा इसमें आता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो देखो जरा, तो सेवन देखो, अब मैं 10,000 से ज्यादा की सेल हुई होगी, ये बात तो एकदम पक्की है। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी में डिपॉजिट इतना किया है, वो भी अपना कमीशन काटने के बाद, जो कि 10,000 से ज्यादा है ना। तो डेफिनेटली सेल तो 10,000 से ज्यादा की हुई है, ये बात एकदम पक्की है ना। 10,000 से ज्यादा की सेल हुई है, ये बात एकदम 100% कंफर्म है। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो सेल हुई है वो 10,000 प्लस 100x इतनी सेल मान लेता हूं, ठीक है। ये जो सेल है वो टोटल इतनी है, तो 10,000 पे तो उसको जो कमीशन मिलेगा वो 7% फ्लैट मिलेगा, यानी 700 रुपए। और इस पर जो कमीशन मिलेगा 10,000 से ऊपर वाला जो पार्ट है उसे 5% मिलेगा, इज नथिंग बट 5x, ठीक है। तो अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद वो डिपॉजिट कितना करेगा, तो इसमें से मैंने कमीशन मतलब जो टोटल सेल है उसमें से कमीशन माइनस कर दिया, तो 10,000 में से 700 चला गया, 10,000 में से 700 चला जाएगा तो 9,300 बचेगा, और प्लस 100x माइनस 5x मतलब 95x इतना बनेगा, एंड दैट इज द अमाउंट ही डिपॉजिटेड विच इज नथिंग बट 47,300, ठीक है। सो 95x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसमें से इसको माइनस कर दो, 38,000, 19 से गया 5 बार, 19 से गया 2,000, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, x की वैल्यू 400 हो गई, वो मैंने यहाँ रख दी, 400 इंटू ये 40,000, 40 प्लस 10 50,000, टोटल सेल आ गई 50,000, ठीक है। कमीशन वाले क्वेश्चंस भी कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, अ कंपनी गिव्स 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू हिज सेल्समैन एंड द बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर रुपीज 15,000 इफ सेल्समैन डिपॉजिटेड 72,150 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग्स फ्रॉम द टोटल सेल्स, फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन। बताइए, हाँ जी, ओके, अ कंपनी गिव्स 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर एंड ओवर रुपीज 15,000 टू मोटिवेट सेल्स, है ना। वो क्या करती है कंपनी, कि 15,000 से ऊपर जो भी सेल होती है उसमें एक बोनस वाला फैक्टर भी मिलता है। सेल्समैन डिपॉजिट दिस मच आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग्स फ्रॉम द, ओके, सो डेफिनेटली सेल जो है 15,000 से ज्यादा की हुई है बिकॉज उसने डिपॉजिट इतना बड़ा अमाउंट किया है। तो मैं ये मान लेता हूं कि भाई सेल जो हुई है वो 15,000 प्लस 100x, ये मान ले इस तरीके से 15,000 प्लस 100x, तो इसको कमीशन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहां पर तो 9% मिलेगा। अच्छा सॉरी, कंपनी गिव्स 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल, 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 9% इसमें मिलेगा, और इस वाले पार्ट में तो इसमें तो 9% ही मिलेगा, तो 9% इसका कितना हो गया 150 × 9, यानी कितना हो गया 1,350, एंड इसमें कितना मिलेगा 10%, वाई, बिकॉज 1% बोनस भी इसमें मिलेगा क्योंकि 15,000 से ऊपर वाला पार्ट है, है ना। तो 10% इसका कितना हो गया 10x, तो जब ये इसमें से अपना कमीशन डिडक्ट कर देगा तो कितना बचेगा, 1000 माइनस 350 इज व्हाट 650, एंड
14-1 यानी 13,650 प्लस 100 माइनस 10 इज व्हाट 90x एंड दिस अमाउंट ही विल डिपॉजिट इन द कंपनी विच इज नथिंग बट 72150 के बराबर है ये, ठीक है। सो 90x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, दिस इज 0011 माइनस 6 इज व्हाट 5 71 माइनस 13 ओ 1 माइनस 3 इज व्हाट 8 एंड 6 माइनस 5 तो इससे काट दिया, 9 से काट दो इसको, 9 से 6 बार 5 बार 650x की वैल्यू आ गई। तो जो टोटल सेल हो गई वो हो गई 15,000 प्लस 100x, 100 इंटू 650 इज व्हाट 65,000, तो कुल मिलाकर आंसर आ गया 80,000, ठीक है 80,000 ऑप्शन बी। ठीक है चलिए अगला सवाल देखो, अ कंपनी अलाउड 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू इट्स सेल्समैन, बट इफ द सेल्समैन is appointed on a fixed salary of 4700 and 7% commission on the sales more than 12,000, okay, so fixed salary bhi hai aur 7% commission bhi hai, ya fir matlab ya to aap aise kar lo ke 4700 rupaye fix le lo aur 12,000 se upar jitni bhi sale hoti hai us par 7% commission le lo, ya fir aap को केवल कमीशन बेस पर रखा जाएगा, यानी कि आप केवल 13% फ्लैट कमीशन ले सकते हो टोटल का 13%। सो इन द सेकंड कंडीशन सेल्समैन रिसीव्ड 620 मोर देन द फर्स्ट कंडीशन, फाइंड द टोटल सेल्स, बताइए। सेकंड कंडीशन में उसको 620 रुपए ज्यादा मिलते हैं फर्स्ट कंडीशन के कंपैरिजन में। हाँ जी, अ कंपनी अलाउड 13%, तो मैंने ये मान लिया कि सेल जो है वो है 12,000 प्लस 100x मान लो, तो फर्स्ट कंडीशन में उसको क्या मिलेगा 13% फिक्स कमीशन मिलेगा, तो इसका 13% कितना हो गया, इसका 13% 120 इंटू 13 इट इज 1560 प्लस 13x, और सेकंड कंडीशन में क्या मिलेगा, सेकंड कंडीशन में इसको 4700 फिक्स मिलेगा और 12,000 से ऊपर जो सेल है यानी ये वाला पार्ट इसका 7% मिलेगा, तो सेकंड कंडीशन में उसे 620 ज्यादा मिले हैं, तो सेकंड में से फर्स्ट को अगर मैं माइनस करूंगा तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 7x माइनस 13x इज व्हाट माइनस 6x, 4700 माइनस 1560 दिस इज व्हाट 46 माइनस 5 इज 1 दिस इज 3 3140 एंड दिस डिफरेंस इज 620, ये डिफरेंस किसके बराबर है 620 के बराबर है, तो 6x की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें से इसको माइनस करो, दिस इज 20, दिस इज 2520, तो 6 से कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स 6 2 टाइम्स 0 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 420, सो माय आंसर वुड बी 12,000 प्लस 100 इंटू 420 इज 42,000, कितना हो जाएगा ये 54,000, तो आंसर वुड बी 54,000, दैट मींस ऑप्शन बी, क्लियर। चलिए अगला सवाल, अब यहां पर एक्स और वाई के टर्म्स में कुछ दिया गया है, देखो अ सेल्समैन मेक्स अ कमीशन ऑफ एक्स परसेंट ऑन द फर्स्ट 2400 वर्थ ऑफ सेल्स एंड वाई परसेंट ऑन ऑल फर्दर सेल्स, पहले 2400 रुपए की सेल पर उसे एक्स परसेंट कमीशन मिलता है, उसके अलावा जितनी भी सेल होती है उस पर उसे वाई परसेंट कमीशन मिलता है। इफ ही मेक्स 1400 फ्रॉम 5400 ऑफ द सेल्स एंड 2400 फ्रॉम 8400 ऑफ द सेल्स इन अनदर मंथ, फाइंड द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो एक बात तो ये पक्की है
कि 2400 रुपए तक तो उसे एक्स परसेंट मिलेगा। तो 2400 रुपए का एक्स परसेंट कितना हो गया, 24x। तो ये तो उसे दोनों केसेस में मिलेगा ना, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी, राइट। उससे ऊपर जो सेल है, तो यहां पर पहले केस में कितनी सेल है, 5400। तो ये 2400 से कितनी ज्यादा है, 3000 ज्यादा है, और इसका उसे वाई परसेंट मिलेगा। तो 3000 का वाई परसेंट हो गया 30y। सेकंड केस की अगर मैं बात करूंगा, तो सेकंड केस में उसकी सेल है 8400, जो कि 2400 से कितनी ज्यादा है, 6000 ज्यादा है, और उस पर वाई परसेंट। तो 6000 का वाई परसेंट यानी 60y। तो पहले केस में उसको जो कमीशन मिला वो 1400 मिला, और दूसरे केस में जो कमीशन मिला वो 2400 मिला, राइट। तो एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई हमको बताना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 30y बराबर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1000, है ना, ठीक है ना, राइट। चलिए 30y की वैल्यू इतनी हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/3। y की वैल्यू 100/3 हो जाएगी, 30y की वैल्यू 1000 यहां रख दो आप, तो ये हो जाएगा 400। तो x की वैल्यू 400/24 हो जाएगी। तो अगर 8 से काटें 3 बार, 8 से काट देंगे हम 50 बार, तो द डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ x एंड y विल बी x प्लस y अपॉन 2, यही तो एवरेज होगा। नाउ व्हाट इज x प्लस y, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 150/3 आएगा, यानी कि 50, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो विच इज नथिंग बट 25। तो आंसर इज 25, ऑप्शन बी। क्लियर है, यस। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा ऐसे सवाल तो हम कर चुके हैं, है ना, ऐसे सवाल तो अभी हमने डिस्कस किए थे, थोड़ा और आगे चलते हैं। ओके, रमेश स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, रमेश अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। इफ हिज इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 30%, एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड बाय 20%, देन द सेविंग्स आर रिड्यूस्ड बाय 750। सो व्हाट वाज हिज इनिशियल इनकम, की इनिशियल इनकम क्या थी, ये हमें बताना है, बताइए जरा। हाँ जी, तो रमेश स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, वो अपनी इनकम का 75% खर्चा करता है ना। अब इसको अलग अलग तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ कि इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ये कर लेते हैं। अगर वो 100 रुपये कमाता है तो 75 रुपये खर्च कर देता है, बचाता कितना है, 25 रुपये। हिज इनकम रिड्यूस बाई 30%, तो इनकम में मैंने 30% की कमी कर दी, दैट मीन्स 70 हो गई। एंड एक्सपेंडिचर रिड्यूस बाई 20%, तो एक्सपेंडिचर में 20% कम कर दिया, इसका 20% हो गया 15 कम कर दोगे 60, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग, तो 70-60 is 10, ठीक है। सो सेविंग में रिडक्शन हो रहा है 750 का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 यूनिट है, वो 750 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 50 के बराबर, ठीक है। इनिशियल इनकम कितनी है, 100 यूनिट, तो 100 × 50 कितना हो जाएगा, 5000, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला सवाल। अ पर्सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम
हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 30%, वॉट परसेंट बाई वॉट परसेंट विल हिज सेविंग रिड्यूस, सेविंग कितने परसेंट से रिड्यूस हो जाएगी उसकी. तो अगेन यू विल यू कैन सॉल्व दिस बाई द सेम मेथड, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग. इनकम मैंने 100 रुपए माना, एक्सपेंडिचर उसमें से 80 रुपए है, तो सेविंग है 20 रुपए. इनकम 20% से बढ़ा दी गई तो 120 हो गई 100 से. एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हो गया 30% से, तो इसका 30% हो गया 24, है ना. इसका 30% 8 × 24 हो गया ना, मतलब 104. तो 120 - 104 इज नथिंग बट 16. ये हो गई उसकी सेविंग. तो सेविंग में कितना परसेंट कमी आएगी, तो हम देख सकते हैं 4 की कमी आ रही है, और 4 इसका कितना परसेंट है, 20% है. बाई 4 out of 20, यानी 1/5 मीन 20%. ठीक, ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट. 3 पर्सन्स एबीसी हूज कंबाइंड सैलरी इज 56,000, दे स्पेंड 60%, 85% एंड 87.5% ऑफ देयर सैलरी रेस्पेक्टिवली. इफ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:9:4, देन फाइंड द सैलरी ऑफ ए. बताइए ए की सैलरी क्या होगी, ये यहां पर पूछा गया है. हाँ जी, तो 3 लोग हैं जिनकी कंबाइंड सैलरी मुझे दी गई है. देखो पहले वाले ने स्पेंड किया कितना, मैं ये कहता हूँ कि इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग हम बात कर लेते हैं, या इनफैक्ट मैं ऐसे कह लेता हूँ, देखो इनकम और सेविंग की बात कर लेते हैं फॉर ए बी एंड सी. अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये खर्चा कर रहा है 60%, मतलब बचा कितना रहा है 40%. 40% मतलब 2 out of 5, मतलब 5 रुपये अगर उसकी इनकम है तो उसमें से वो 2 रुपये बचा ले रहा है, यही तो मतलब है. अच्छा सेकंड पर्सन 15% बचा रहा है, देखो 85% खर्चा कर दिया, 15% का मतलब 15/100, 3/20, यानी 20 रुपये में से वो 3 रुपये बचा ले रहा है. एंड थर्ड पर्सन स्पेंड्स दिस मच, तो ही सेव्स रिमेनिंग 12.5%, मतलब 8 में से 1 रुपये बचा रहा है. अच्छा इनकी सेविंग का जो अनुपात है, सेविंग का रेशियो है, दैट शुड बी 8:9:4. तो 8:9:4 हम कैसे बना सकते हैं, भाई इसको 8 बना लो, 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 9 बना लो, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 बना लो, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो इट विल बिकम 20:8, दिस इज 60:9 एंड दिस इज 32:4. यस ठीक है. तो फाइंड द सैलरी ऑफ ए. अब मुझे यहाँ पर इनकी कंबाइंड सैलरी दी गई थी 56,000, तो इनकी कंबाइंड सैलरी क्या है, इन तीनों का सम, तो इट इज 80 + 32, यानी कि 112, विच इज नथिंग बट 56,000. 56 से गया 1000 टाइम, 56 से गया 2 टाइम्स, और 2 से गया 500 टाइम्स, तो एक यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर आ गई. तो सैलरी ऑफ ए इज हाउ मच, 20 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स की वैल्यू इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 हो जाए, 10,000. ऑप्शन बी. यस क्लियर है. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, टोटल सैलरी ऑफ पी क्यू आर इज दिस, इफ दे स्पेंड 90%, 70% एंड एक्स परसेंट ऑफ देयर सैलरी, देन देयर सेविंग्स आर इन दिस रेशियो. ओके,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द सैलरी ऑफ आर इज 18 2 by 11% ऑफ टोटल सैलरी ऑफ पी क्यू आर. बताओ जरा. हाँ जी. सो पी क्यू आर की टोटल सैलरी हमको पता है और पी एंड क्यू कितना कितना परसेंट खर्चा कर देते हैं दैट वी नो. तो हम ये कह सकते हैं कि पी और क्यू और आर की इनकम और सेविंग का रेशियो क्या है वो हम निकाल सकते हैं. इनकम एक्सपेंडिचर को हटाओ, इनकम ऑफ इनकम एंड सेविंग देखो. अगर मैं इसकी बात करूँ तो 90% खर्चा कर रहा है, मतलब 10% बचा रहा है, यानी 10 रुपये में से 1 रुपये इसने बचा लिया. क्यू ने 70% खर्चा कर दिया यानी कि 30% बचा लिया, यानी कि 10 में से इसने 3 रुपये बचा लिया. अगर 10 रुपये कमाए तो 3 रुपये बचाए. 10:3 इज द रेशियो. ओके नाउ एंड ये जो थर्ड पर्सन है वो कितना खर्चा कर रहा है, एक्स परसेंट. अब वो तो हमें पता ही नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन के बारे में नहीं पता. एंड देयर सैलरीज ओके देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 6:9:7. इनकी जो सेविंग है उसका रेशियो है 6:9:7. अब देखो सेविंग को मुझे पहले तो इनको 6 और 9 बना लेता हूँ. मैं 6 से मल्टीप्लाई करके इसको 6 बना लेता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 बन जाएगा. इट इज 60:6. दिस इज 30:9. इट इज 6:9 हो गया और यहाँ पर थर्ड पर्सन का हो जाएगा 7. थर्ड पर्सन के लिए हो जाएगा 7. अच्छा आर की जो सैलरी है दैट इज 18 2 by 11% ऑफ द सैलरी, टोटल सैलरी ऑफ पी क्यू आर. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आर की सैलरी और पी क्यू आर की सैलरी 18 2 by 11% का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 2 times 9 1 by 11% विच इज नथिंग बट 1 by 11. सो 2 into 1 by 11 का मतलब हो गया 2 by 11. यानी कि ये अगर 11 पार्ट है तो इसमें से ये 2 पार्ट है. यानी कि पी एन क्यू का टोटल कितना है हम देख सकते हैं, ये है 15 यूनिट. पी एन क्यू का टोटल है 15 यूनिट और 15 + 7 ये कितना है 22 यूनिट. तो अगर मैं सॉरी हाँ 80% दिस परसेंट ओके मैं सॉरी सेविंग को ऐड कर दिया मैंने गलती से. पी एन क्यू की जो टोटल है वो कितना है 90 यूनिट, है ना 90 यूनिट. क्या मैं इसको 20/110 लिख दूं, और अगर 20/110 लिखा है तो 20/ इसको 90+20 लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है. तो मेरा ये सेटिस्फाई हो गया ना, कंडीशन पी प्लस क्यू इज 90, तो दिस इज ऑल्सो 90. सो इन दैट केस आर मस्ट बी 20, तो आर मस्ट बी 20, इसको मैंने 20 लिख दिया, 20:7 का रेशियो आ गया. ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का मतलब है कि आर ने कितना परसेंट खर्चा किया. तो आर ने 20 में से 7 रुपए बचाए, मतलब 13 रुपए खर्च कर दिए, 13 रुपए खर्च कर दिए 20 में से. तो 13/20 × 200 गया 5 times, so it becomes 65%. That is the value of x. Option C. ठीक है, चलो अगला देखो. कालू सेव्स x परसेंट ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 25%, एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड बाय 20%, देन द सेविंग्स आर रिड्यूस्ड बाय 1600. इफ हिज इनकम इज 20,000 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. बताइए अगर उसकी इनकम इनिशियल इनकम 20,000 है तो x की वैल्यू क्या होगी. So x means something unknown. I do not know Kalu saves how much percent of his income. ठीक है, तो वो तो हम बाद में निकाल लेंगे कि कालू ने कितना percent save किया. If his income is reduced by 25%, expenditure is reduced by 20%, then
सेविंग्स ऑल्सो रिड्यूस्ड बाई 1600, सेविंग 1600 कम हो जाती है, ठीक है। तो इफ हिज इनिशियल इनकम इज 20,000, इनिशियल इनकम कितनी है, 20,000 है, इनिशियल इनकम 20,000 है, इनकम कितने से कम हो रही है, 25% से। तो मैंने ये मान लिया भाई कि इनिशियल इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो मैंने कहा कि भाई इनकम तो 20,000 है, हमें दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंडिचर कितना है, लेट सपोज 100x, वो तो हमें नहीं पता है ना, तो हम ये कह सकते हैं, एंड इनफैक्ट हमें सेविंग में कितना रिडक्शन है वो भी दिया गया है, 1600 का रिडक्शन सेविंग में है, ठीक है। ठीक है, इनकम इज रिड्यूस बाई 25%, मतलब इनकम में जो कमी आएगी वो इसका 25%, यानी 5,000 की कमी आएगी, और सेविंग रिड्यूस बाई 1600। तो इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ, इसको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप ये समझो, हमें ये पता है कि ये जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है इनकम माइनस सेविंग, राइट, इनकम माइनस सेविंग। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकम में 20% की 25% कमी आ रही है, तो इसका 25% कितना है, 5,000, मतलब ये हो गया आई माइनस 5,000, 5,000 कम हो गया, और सेविंग में 1600 की कमी आ गई, मतलब सेविंग अगर पहले एस थी तो अब एस माइनस 1600 हो गई, तो ये हो गया आई माइनस एस, और माइनस 5,000 और प्लस का 1600, यानी माइनस का 3400, राइट, यानी कि पहले हमारे पास जो एक्सपेंडिचर था वो ये था आई माइनस एस, और अब उससे 3400 रुपये कम हो गया है, एक्सपेंडिचर जो है 3400 कम हो गया है, और एक्सपेंडिचर में कमी कितनी आई है, 20% की, यानी कि एक्सपेंडिचर का 20% किसके बराबर है, यानी एक्सपेंडिचर का 1/5, 20% मतलब 1/5 ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 3400, राइट, सो एक्सपेंडिचर वॉज दैट मस्ट बी इक्वल टू 17,000 टू 5 कर दिया, 17,000 हो गया। तो x की वैल्यू बतानी है, x तो मतलब x क्या है, x इज ही सेव्स x परसेंट ऑफ हिज इनकम, तो अगर उसके पास इनकम है 20,000, तो 20,000 में से 17,000 खर्चा कर रहा है, तो वो 3,000 सेव कर रहा है ना, तो वो 3,000 टोटल इनकम का कितना परसेंट है, 3,000 अपॉन इनकम कितनी है, 20,000, यानी 20,000 में से वो 3,000 रुपये बचा ले रहा है, इन 200 कर दिया, 3/20 विच इज नथिंग बट 15%, ठीक है, 15%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5,000 कैसे आया, 5,000 हमें दिया है, इनिशियल इनकम वॉज 20,000 दैट यू नो, और इनकम में जो कमी आ रही है वो 25% की है, तो इसका 25% नहीं, इसका 1/4 कितना है, 5,000, तो इस तरीके से 5,000 आया, ठीक है। अब कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस और हैं, मैं इसका पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा, है ना, वो आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, ओके, एक सेकेंड, हम इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, ओके, ये देखो जरा, इफ इन अ कंपनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट एंड ऑल्सो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीजेस बाय एक्स परसेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्स परसेंट से बढ़े और टाइम ड्यूरेशन भी एक्स परसेंट से बढ़ा, ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इंक्रीजेस बाय 44%, कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 44% से बढ़ गया, तो फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इफ द टोटल 200 न्यू एम्प्लॉइज ज्वाइन द कंपनी, है ना, टोटल 200 नए एम्प्लॉइज ने कंपनी ज्वाइन की है, यानी कि पहले कितने एम्प्लॉइज थे, है ना, ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इंक्रीजेस बाय 44%, है ना, तो देखो एक बात मुझे बताओ, 44% कब आता है, मतलब ये जो सवाल है बेसिकली नंबर्स पर बेस्ड है, अगर आपको नंबर्स से खेलना आता है तो इस सवाल को बहुत आराम से कर सकते हो, मतलब 44% आता है 20 और 20 का सक्सेसिव चेंज, आपने CI में भी पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में, नहीं भी पढ़ा है तो समझ लो, अगर दो सक्सेसिव चेंज है 20-20 के, तभी तो आएगा 44%, और दोनों इक्वल होने चाहिए, यहाँ पर इक्वल ही है, x% और x%,
भाई जो कंपनी की प्रोडक्टिव प्रोडक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज टाइम ड्यूरेशन, मतलब एम्प्लॉयज कितना टाइम वहां डिवोट कर रहे हैं एज वेल एज कितने एम्प्लॉयज हैं, दोनों के प्रोपोर्शनल है, तो दोनों का प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब सक्सेसिव चेंज, यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 20% है, ये बात एकदम पक्की। तो 20% का इंक्रीज हुआ है तो, और 20% का इंक्रीज किसके बराबर है, 200 एम्प्लॉयज के बराबर है। तो 1% कितना हो गया, 10 हो गया, तो 100% हुआ। इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो गए, 1000, ठीक है, 1000 हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको सारे टॉपिक्स अपने एग्जाम से पहले बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कवर करने हैं, उसके साथ साथ डीआई भी पढ़ना है, उसके साथ साथ मेंस का डीआई भी पढ़ना है टॉपिक वाइज, उसके साथ साथ प्रैक्टिस बैच भी चाहिए, तो ये चारों बैचेस आपको इसमें मिल जाएंगे, और प्लस डायमंड पैकेज भी मिल जाएगा। ये है ब्रह्मास्त्र पैकेज, मैथ्स बैंकिंग मैथ्स के लिए टॉप क्लास पैकेज, तो ये आपको मिल जाएगा sumitsaracademy.com वेबसाइट पर या सुमित्सर अकेडमी ऐप पर। तो कंप्लीट परसेंटेज हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स कोशिश की है, अभी भी बहुत चीज़ें रह गई होंगी, है ना, बहुत चीज़ें इन अ सेंस कॉन्सेप्ट वाइज तो कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, तो जैसे टफ क्वेश्चंस होते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो वो हम एक अलग से सेशन लेकर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच।